गुड इवनिंग एवरीवन नमस्कार दोस्तों मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने आज बोले जलजला में ना हर रोज यही बोलता हूं कि आपके अपने डीसीए में आज बोलते हैं आपका स्वागत करते हैं आपके अपने जलजला में क्योंकि ये जलजला आज तक बरकरार है तो सिर्फ 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 और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ, और सिर्फ आप लोगों की बदल जब भी मन करता है कि यार इसको बंद करते हैं इसका मतलब हो गया डन आई एम डन फिर कोई ना कोई प्यारा सा मैसेज आ जाता है कि सर प्लीज इसे कंटिन्यू रखिए सर आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक बार मन होता है कि चलो फिर से करके देखते हैं और वही तो इसी के नाम तो जिंदगी है जब तक आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाए जब तक आप जो चाहते हैं वो आपको ना मिल जाए तब तक लगातार प्रयास करते रहना निराशा होना लाजमी है परेशानी होना लाजमी है डिमोटिवेट होना भी लाजमी है हो जाता है कोई भी हो जाता है कोई भी हो सकता है अरे मैंने एक दिन देखा था कि संदीप महेश्वरी सर लिख रहे थे कि भाई वो भी किसी दिन डिप्रेशन का शिकार हो गए थे तो भाई इतना बड़ा मोटिवेटर जब डिप्रेशन का शिकार हो सकता है कोई भी हो सकता है तो ये होना लाजमी है कि हार का डर असफलता से परेशानी या छोटी छोटी दिक्कतों से या छोटी छोटी वजहों से अपने मार्ग से हट जाना लाजमी है लेकिन अगर आप दोबारा प्रयास नहीं करेंगे दोबारा आएंगे नहीं दोबारा खड़े नहीं होंगे तो यकीन मानिए जो स्थिति आपकी है वो हमेशा बनी रहेगी तो मैं लड़ रहा हूं अपनी स्थिति बदलने के लिए और आप सभी लोगों का साथ चाहिए आज के जलजिला में शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना हमारा जो परिवार है वो लगभग तिरसठ हजार हो चुके हैं हम लोग टेलीग्राम पर भी आठ हजार हैं पच्चीस हजार से अधिक लोग ऐप पर हैं और अगर इतनी बड़ी संख्या हम देख लें तो अमूमन सब कुछ मिला जुला कर अगर हम देखें तो सब अलग अलग नहीं होंगे कॉमन ही होंगे मतलब यूट्यूब पर जो लोग हैं वही टेलीग्राम पर भी होंगे वही ऐप पर भी होंगे तो कम से कम साठ लोग तो हम लोग हैं मिनिमम साठ लोग हैं साठ हजार में अगर हम लोग ये मान लें कि हम लोग में से कोई अः बीस पच्चीस हजार लोग भी अगर एक्टिव है तो हमारे ही परिवार में एक स्टूडेंट है और आप यकीन नहीं मानेंगे शायद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई लेकिन परसों नर्सो उसका मैसेज आया था कल उसका एक मैसेज आया था उसके पापा जो है वो काफी बीमार है लीवर सिरोसिस हो गया है उनको गंभीर बीमारी होती है ये मैंने अस्पतालों को बहुत करीब से देखा है हम जिस देश में रहते हैं उसकी विडम्बना यही है कि इसमें जो दो सबसे जरूरी चीजें हैं चिकित्सा यानी मेडिसिन मेडिकेशन और एजुकेशन ये दोनों ही बहुत महंगे हैं और जब से ये हमारे पास मेडिक्लेम वगैरह आ गया है ये सब सारी चीजें आ गई है तो चिकित्सा और ज्यादा महंगी हो गई है मतलब कोई भी अस्पताल आज की डेट में जो अच्छा है जिसको पता है कि आपके पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी है तो वो आपका और ज्यादा महंगे इलाज करेंगे फिलहाल इतनी गंभीर बीमारी जो कि लीवर सिरोसिस है और पापा से बड़ा कोई होता नहीं है यार दोस्त है ना पापा मतलब पापा ही होते हैं उनको क्या ही शब्द पापा अपने आप में ही पापा है। पापा मतलब जिसको आपने पापा बोलिए मतलब वो बाप हो गया तो इस बच्चे की मदद कर सकते हैं आप लोग ईश्वर सबको मौका नहीं देता है मदद करने का हमें मौका दिया है तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बच्चे की जरूर मदद करिएगा आप जो कर सकते हैं वो करिए टेलीग्राम पर ये मैसेज आपको मिल जाएगा बाकी इसने अपने यूपीआई आईडी नंबर दे रखे हैं तीन आईडी दे रखी हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो टेलीग्राम पर जाकर के आप इसे देख सकते हैं बाकी मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट डलवाया था और मैं पर्सनली आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो हम लोग कर सकते हैं वो जरूर करें आप पचास रुपये भी कर सकते हैं सौ भी कर सकते हैं जितना आपको लगे भाई आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो स्मोकिंग करते होंगे कई लोग ऐसे होंगे दिन में तीन चार बार चाय पी लेते होंगे कई लोग ऐसे होंगे जो पान मसाला खा लेते होंगे तो आप ये सोच लीजिएगा कि आज एक टाइम आपने ये बुरी चीज नहीं करी और वो एक टाइम का जो भी आपका पैसा आता है जो भी मनी बनता है वो आप डोनेट कर सकते हो हम अपनी तरफ से प्रयास तो कर ही सकते हैं बाकी जो होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में और ईश्वर करेगा तो ईश्वर चाहेगा ईश्वर जरूर चाहेगा कि ये इसके पापा इसके फादर जो हम लोगों के भी अंकल हैं वो जरूर सही हो जाएंगे और सब ये बच्चा भी खुशी खुशी आगे अपनी पढ़ाई जारी कर पाएगा क्योंकि 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए किसी अगर नॉर्मल परिवार को बोला कि आप खर्च कर दीजिए तो वो परिवार तबाह हो जाएगा मतलब कई सालों तक वो कर्जे में चला जाएगा या फिर जो कुछ उसने जोड़ा होगा वो सब खत्म हो जाएगा तो प्लीज इसको कंसीडर करिएगा अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर करना चाहिए और 10 20 25 50 रुपए से कुछ होता नहीं है और इतना तो हम लोग यहां पर पिज्जा खाने में उड़ा देते हैं डेढ़ रुपए के बाल कटाने में उड़ा देते हैं तो एक बार वो खर्च ना करके बस उधर से पैसा उधर डाइवर्ट कर देंगे हम लोग बीस पच्चीस हजार लोग लो मिलकर भी अगर करेंगे तो अमूमन आप सोच सकते हैं कि काफी मदद हो सकती है बच्चे के काफी मदद हो सकती है स्टूडेंट्स की और ये हमारा परिवार है अगर हम इतने सारे लोग यहाँ पर हैं हम दोनों हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आने वाला भी नहीं है भगवान भी हम ही लोगों को भेजता है एक दूसरे की मदद करने के लिए तो अभी थोड़ा सा ईश्वर की तरफ से आइए और भगवान के दूध बनिए और ये करिए तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का जजरा आज के जलजिले में हम लोग नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि ये जो करंट अफेयर्स है कई लोग पूछते हैं सर इस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा या इस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको पढ़ के जाइए आपका स्ट्रेटेज जीके कवर कराने की कोशिश मैं करता रहता हूं और साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी मैं कर, कवर कराने की कोशिश करता रहता हूं आगे आने वाले दो घंटे में ये जलजला चलेगा और दो घंटे के दौरान हम लोग कोई भी और बातचीत नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर उनसे जुड़े हुए फैक्ट के बारे में बात करेंगे ठीक है। तो पहली बार आता है विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है देखिए थोड़ा सा समझिएगा वर्ल्ड शाकाहारी दिवस का मतलब यह हो गया यह प्रमोट कर रहा है जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो लोग शाकाहार खाते हैं लेकिन एक होता है विश्व शाकाहार दिवस जिसे कहा जाता है वेजिटेरियन डे जिसे क्या कहा जाता है वेजिटेरियन डे

सामान्य रूप से शाकाहारी आहार और साकार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नवंबर को विश्व साकार दिवस मनाया जाता है इस बार का थीम रहा सेलिब्रेटिंग फॉर गुड सेलिब्रेटिंग फॉर गुड कॉज द वीगन सोसाइटी एक नवंबर उन्नीस को इसकी स्थापना हुई थी उसी की याद में हर साल एक नवंबर को इसको मनाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में भारत के दो शहरों को स्पेशल शामिल किया गया है किसमें किसमें नवीनतम सूची में रचनात्मक शहरों यानी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में दो कौन से शहर शामिल किए गए हैं उन दो शहरों में से एक को लिटरेचर में और एक को म्यूजिक में शामिल किया गया है म्यूजिक कैटेगरी में शामिल किया गया है तो अगर आप गौर से देखें तो एक है कोजी खोडे और एक है ग्वालियर तो इसमें जो कोजी खोड़े हैं वो सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल हुआ है जबकि ग्वालियर जो है ये तानसेन का घर रहा है तानसेन का घराना ग्वालियर घराना आपने सुना होगा तो ये म्यूजिक की कैटेगरी में शामिल हुआ है ठीक है यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में यानी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कोजिकोड को साहित्य के शहर के रूप में और ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में शामिल किया है यूनेस्को की महानिदेशक है आंद्रे अजोले आंद्रे अजोले द्वारा इसको यहां पर शामिल किया गया है इसके अलावा पचपन और शहर शामिल किए गए हैं ये साहित्य का शहर बनने की शुरुआत कोजिकोडे की दो से शुरू हुई थी और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर इलेवन का हिस्सा है ये जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ये कौन से सतत विकास लक्ष्य हिस्सा है, का। में क्या है? Cities, कि वो ऐसे शहर जो धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे लेकिन अपनी अमूर्त सांस्कृतिको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की शुरुआत 2004 में की गई थी वर्तमान समय में भारत में श्रीनगर 2021 में शामिल हुआ था क्राफ्ट एंड पॉक की श्रेणी में मुंबई फिल्म की श्रेणी में हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक जयपुर क्राफ्ट एंड पॉक आर्ट और वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक ये आपका सात कैटेगरी में होता है क्राफ्ट पॉक आर्ट्स मीडिया आर्ट फिल्म डिजाइन गेस्ट्रोनॉमी लिटरेचर एंड म्यूजिक देखिए क्लास के दौरान याद करने की कोशिश मत करिए जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं उनको याद करने की कोशिश मत करिए उनको सुनिए कि मैंने क्या क्या चीजें आपको यहां पर छोड़ते हुए बताई मैंने बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बताई मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट हाईलाइट किए और वो पॉइंट मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि आपको वो निश्चित तौर पर पढ़ने बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एक बार इसकी रीडिंग आपको जरूर करनी पड़ेगी उसमें अब जब आप रीडिंग करोगे तो मेरी आवाज यानी ऑडियो विजुअल मेरा और आपका रिटर्न फॉर्मेट मैच कर जाएगा और वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी ठीक है विक्टर क्लास क्यों नहीं आ रही बच्चे नहीं आ रहे थे इसलिए नहीं आ रही साफ साफ बात दो टूक बात बच्चे नहीं थे क्या करूं मैं क्लास लेके चाहिए नहीं थी किसी को उससे ज्यादा तो पेड़ में आ रहे थे तो हमने कहा चलो पेड़ में ही पढ़ाते क्या करें बताएं कुछ नई सीरीज लाएंगे शायद एग्जाम के पास बच्चे आएंगे अभी नहीं आ रहे थे आप देखो देखिए जब वीडियो नहीं चलेगा अगर के कोई भी मैं लेक्चर डाल रहा हूं और वो नहीं चलेगा एक नहीं चलेगा दो नहीं चलेगा तीन नहीं चलेगा चार नहीं चलेगा तो कुछ टाइम बाद मेरे यूट्यूब के जितने भी ट्रैक हैं जितने भी टैग हैं वो सब खत्म हो जाते हैं यानी जो इतनी मेहनत से चैनल बनाए हैं वो धीरे धीरे डेड हो जाता है और एक डेड चैनल पे काम करेंगे आप तो वो कोई भी प्रमोशन आपको मिलेगा नहीं ये इवन जलजला का प्रमोशन भी कम होने लगेगा तो जो चीजें चल सकती हैं हमें सोच समझ के वही डालना पड़ता है क्योंकि अमूमन हम साढ़े चार सौट्यूब पर डाल चुके हैं अगर आप देखेंगे तो साढ़े चार अगर प्रमोशन नहीं आ रहा तो यूट्यूब को लगता है कि क्रिएटर जो है गंदा क्रिएटर है इसके इसको ऑडियंस नहीं मिल रही है तो वो प्रमोट करना बंद कर देता है और वो प्रमोट करना बंद कर देता है तो चैनल डेड हो जाता है चैनल डेड हो जाता है तो मैं चाहे जितना माथा पटक लू फिर मैं चैनल को कभी ऊपर नहीं ला सकता तो कहीं कही ना कहीं हमें यह देखना पड़ता है कि चीजें हम चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा आप वीडियो देखना चाहते हैं आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए नहीं आप पैसा दे सकते हैं कम पैसे दे सकते हैं हम आपको कूपन कोड दे देंगे मैं चा... मैं जानता हूं कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर मुझे कुछ और रास्ते निकालने पड़ेंगे जैसे कि कुछ मैराथन वगैरह प्लान कर लें हम लोग बड़ी बड़ी क्लास हफ्ते में एक बार ले लें लेकिन मैं वही चीजें चला सकता हूं जो YouTube पर चलेंगी आप मेरी मजबूरी भी समझिए अगर ये सब खत्म हो गया तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी मैं खत्म हो जाऊंगा चैनल खत्म तो मैं खत्म आप चाहते हैं हो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप सर ग्रो करो तो ग्रो करने के लिए मैं आपको वादा करता हूं मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन मैं फिर उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे और लोग भी पढ़ना चाह रहे हैं आप वेट करिए हमने प्लान कर लिया है कि जनवरी से जब भी शुरू होगा तो हम थोड़ा सा लंबी लंबी क्लास लेंगे जैसे कैलेंडर एक दिन पढ़ाएंगे तो कैलेंडर पूरा खत्म कर देंगे एक दिन में जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो खत्म कर देंगे विक्टर का शायद कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आया या लोगों को पसंद नहीं आया इस वजह से वो वो शायद फेल हो गया फिलहाल एक चीज और याद रखेगा, कि इसके अलावा यूनेस्को जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो भी जारी करता है वर्तमान समय में भारत में कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट है कोई बता सकता है मुझे पता है आपको पता है कि यूनेस्को के वर्तमान समय में बयालीस हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर अभी इकतालीसवां कौन बना था शांति निकेतन बयालीसवां कौन सा बना होयसाला टेम्पल कर्नाटक अभी इसके अलावा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट यानी अमूर्त तो सांस्कृतिक विरासत जिनको छू नहीं सकते ऐसी सांस्कृतिक विरासत भारत में अब पंद्रह हो गई है अभी कुछ दिन पहले ही गरबा को पंद्रहवीं इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है पंद्रहवें आइटम के रूप में गरबा कहां का है गुजरात का है अच्छा ये बताओ गरबा के दौरान जो महिलाएं वस्त्र पहनती हैं उसे कहते हैं चनिया चोली लेकिन जो पुरुष वस्त्र पहनते हैं जो पुरुष पहनकर डांस करते हैं ना पगड़ी लगाकर घाघरा पहनकर उस पूरे वस्त्र को क्या कहा जाता है गुजराती में गुजरात में बताइए बिल्कुल करा रहे हैं आप देखिए स्टैटिक भी करा था ये स्टैटिक नहीं है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर ग्यारह देखिए एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा ये चार्ट में हमेशा लेकर आता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पूरे याद होने चाहिए कि कौन से नंबर पे क्या है जैसे जीरो नंबर पर पॉवर्टी है दो नंबर पर हंगर है तीन नंबर पर हेल्थ है चार नंबर पर क्वालिटी एजुकेशन है पांच नंबर पर जेंडर इक्वालिटी है गरीबी हटेगी तो खाना खरीद पाएगा खाना खाएगा खाना खाएगा तो स्वास्थ्य बनेगा स्वास्थ्य बनेगा तो पढ़ने में मन लगेगा और पढ़ा लिखा आदमी जो है वो औरत और मर्द में फर्क नहीं करता यानी पुरुष और महिला में वो कोई फर्क नहीं करता जेंडर इक्वालिटी आपके पास आ जाएगी ठीक है कुड़िया नहीं के डी के डी यू ये कल वाली क्लास का है याद है डी बोलते हैं कुड़िया नहीं बोलते हैं केडीयू ठीक है ये इसके अलावा कॉप की बात होगी क्योंकि ये सब सारा किससे रिलेटेड है कॉप से रिलेटेड है कोई बता सकता है कॉप वन कहां पे हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे आप कहते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी नाइनटीन में इसकी स्थापना की गई थी कॉप वन पहला हुआ था 1995 में बर्लिन में इसी में आगे चल के क्योटो वी हुआ था जहां से क्योटो प्रोटोकॉल निकली थी क्योटो प्रोटोकॉल कब आई थी और ये किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन से संबंधित है ये 1997 में आई थी बट 2005 में ये लागू हो पाई COP29 COP28 कहां पर हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो है चल रहा है दुबई में दुबई यानी यूएई में चल रहा है 28, 27 कहां पर हुआ था ट्वेंटी सेवन इजिप्ट में हुआ था ठीक है कॉप ट्वेंटी कहां पर प्रस्तावित है कॉप ट्वेंटी नाइन बाकू में प्रस्तावित है अजरबैजान बाकू कॉप ट्वेंटी नाइन कहा प्रस्तावित है अगली वाली कहां पर होगी बाकू में होगी और कॉप थर्टी कहां पर होगी कॉप थर्टी ब्राजील में होगी ब्राजील पहले यूएई ही करवाने वाला था लेकिन उसने बोल दिया कि अब हम अगले साल इसे नहीं करवाएंगे हम इस साल वाला करवा दे रहे हैं वही बहुत है कॉप ट्वेंटी नाइन कहां चला गया आजार के बाकू में कॉप थर्टी चला गया है ब्राजील में क्या भारत ने कभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक करवाई है जी हां करवाई है भारत ने कॉप एट करवाया था कब करवाया था सन 2002 में न्यू दिल्ली में यह हुआ था पेरिस जलवायु समझौता कहां पर हुआ था कॉप फिफ्टीन में नहीं कॉप ट्वेंटी में दो में दो में कॉप ट्वेंटी यहीं पर पेरिस जलवायु समझौता हुआ था जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए

आ गया समझ में बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा ऐसा ही करूंगा देखो मैं हारूंगा नहीं मैं पढ़ाता रहूंगा क्लासेस कराता रहूंगा लेकिन जो चीज नहीं चलेगी उसको मुझे बंद करना पड़ेगा जो जी हिट होगी वही मुझे चलाना पड़ेगा यह दुनिया का रूल है फॉर सर्वाइवल अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है तो ये भारत और बांग्लादेश से संबंधित है अगरतला अखौरा शेयर करते रहिए लाइक करते रहिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है आप सभी से विनती है प्लीज लाइक करते रहिए है ना तो ये अगरतला अखौरा अगर आप देखें आज की डेट में आपको कोलकाता से त्रिपुरा जाना हो ये आपका कहा गया अगरतला सॉरी त्रिपुरा की राजधानी ना अगरतला तो यहां से आप ऐसे जाएंगे यहां से जाएंगे फिर यहां से जाएंगे फिर यहां से जाएंगे फिर यहां से, से जाएंगे अभी क्या हो गया बांग्लादेश ने तो बोला ऐसे काय जा रहे हो ऐसे जाओ ना तो बोले हम क्यों क्या कह दो यहां से तुम रेल लिंक यहां से यहां तक तुम बना लो यहां से यहां तक तुम बना लो तो अगरतला अखौरा रेल लिंक आप देखिए मैं थोड़ा सा और बना देता हूं अगर अच्छा अगली स्लाइड में है मेरे पास ये आपका अगरतला है यह आपका अखौरा है यहां से यहां तक का रेल लाइन कौन बना रहा है भारत यहां कोलकाता से लेकर के खुलना तक का रेल लाइन कौन बना रहा है भारत बाकी बीच बांग्लादेश ने, ने डेवलप करके दे दिया है अब जाओ कोलकाता से अगरतला ठीक है छठवीं हिंद महासागर कांग्रेस सम्मेलन कहां पर हुआ सिक्स इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस ये कहां पर आयोजित हुआ छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2023 में आयोजित किया गया पूछा जा सकता है ठीक है ठीक और ये इसके अलावा हम पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं चिट, ये चिटगांव पोर्ट है ये पोर्ट है और इसके जरिए भी यहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा रही है इसके अलावा मैत्री थर्मल सुपर पावर प्रोजेक्ट मैत्री थर्मल सुपर पावर प्रोजेक्ट ये कौन सा देश डेवलप कर रहा है भारत डेवलप कर रहा है डेवलप कर रहा है बांग्लादेश में डेवलप कर रहा है क्यों डेवलप कर रहा है बिजली देने के लिए ठीक है और ये 660 मेगावाट की दो परियोजनाएं अभी हाल ही में ओपन की गई हैं यानी 1320 मेगावाट जो है वो कार्यात्मक इकाई हो गई है फंक्शनली काम करने लगा है 1320 सो बीस मेगावाट यह बगेरहाट डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में एक जगह वहां पर रामपाल नाम की एक जगह है वहां पर इसको ओपन किया गया बगेरहाट डिस्ट्रिक्ट यानी बगेरहाट जिले में इसको ओपन किया गया मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से और अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नदी समझौता हुआ है इसी साल हुआ है और उस नदी का नाम है कुशियारा नदी तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कुशियारा नदी समझौता जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ है तो कुश्यारा नदी समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है बाकी लेंथ वगैरह आपको इसके अंदर मिल जाएगी बांग्लादेश की बात करें तो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बदल गए हैं सुहाबुद्दीन चप्पू हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेख हसीना ही है यहाँ की जो संसद है उसे जातीय संसद बोला जाता है यहाँ का नेशनल एलिमेंट रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ का नेशनल बर्ड ओरिएंटल मैगपी रोमन है रॉबिन ये ओरिएंटल मैगपी रोबिन है और नेशनल फ्रूट जो है जैक फ्रूट कटहल है कटहल श्रीलंका का भी नेशनल फ्रूट है एक बात ध्यान रखिएगा नेशनल फ्रूट नेशनल फ्लावर ये सब चीजें संविधान वगैरह में नहीं दी जाती हैं ये सब मान्यता के आधार पर मान ली जाती हैं संविधान के आधार पर भारत में तीन ही चीजें एक्सेप्ट की गई थी और वो कौन कौन सी थी राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रीय भाषा और अपना खुद का संविधान आगे चलते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है ढाका मुद्रा यहाँ पे चलती है टका सबसे बड़ी नदी जो है वो यहां पर है सुरमा और सुरमा नदी ही आगे चल करके गंगा नदी में मिलती है मतलब गंगा ही इसमें मिलती है जाके ठीक है आगे बढ़ते हैं बाकी लोग कमेंट कह नहीं कर रहे हो भाई कमेंट करते रहो फटाफट अगला अबुआ आवास योजना ये क्या है अबुआ आवास योजना ये जो है गवर्नमेंट द्वारा झारखंड द्वारा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा लाई गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इन्होंने आवेदन किए थे कि आठ लाख घर बनवा दीजिए प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार ने फंड देने से मना कर दिया हेमंत सोरेन की सटक गई उन्होंने कहा ऐसा कैसे हम खुद ही बना लेंगे तो वो अपने लिए एक नई आवास योजना लेकर आए हैं अबुआ आवास योजना जिसके अंतर्गत आठ लाख घर बनाने की योजना रखी गई है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य समर्थित अबुआ आवास योजना लाई गई है आपको सिर्फ इस करंट इंटरप्रेस्ट में इतना याद रखना है कि अबुआ आवास योजना ये कहां की है ये झारखंड की है कितने लाख घर बनाएंगे आठ लाख घर जो है इसमें बनाने की योजना रखी गई है और इसमें प्रधानमंत्री ये तीन चरणों में सोलह करोड़ रुपए खर्च करवाएगी झारखंड की बात करें तो कर्मा पूजा का नाम आपने सुना होगा कर्मा पूजा जो है झारखंड में होती है अभी हाल ही में गवर्नर जो है अपॉइंट किए गए थे रमेश बैस की जगह सीपी राधाकृष्णन कैपिटल जो है वो रांची है चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है रांची से मुझे याद आया तेईस सेप्टेंबर सन दो उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं तेईस सेप्टेंबर सन दो रांची से देश पूरे देश में एक योजना लागू की गई थी और वो बहुत बड़ी योजना है उस योजना का नाम क्या है तेईस सितंबर 2018 से कौन सी योजना जो है वो पूरे देश में लागू की गई थी और उस योजना का नाम क्या है बताइए उस योजना का नाम क्या है उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य प्र, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना आयुष्मान भारत योजना इसे मोदी केयर योजना भी कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मेडिक्लेम योजना है इसमें पांच लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रोवाइड किया जाता है किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की कोई वीजा नहीं आओ मौज करो जाओ थाईलैंड अब थाईलैंड जाना हुआ और भी सस्ता क्योंकि नहीं पड़ेगा यहां पर वीजा इससे पहले श्रीलंका ने भी इस तरह की पेशकश की थी कुछ समय के लिए लेकिन थाईलैंड ने जो है अभी तक असीमित समय के लिए योजना दी है तो थाईलैंड ने 10 नवंबर से भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है भारत और ताइवान के पर्यटक छह महीने की अवधि के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति होगी यानी 10 नवंबर से 10 मई तक 2024 तक समय अवधि के लिए इसे लागू किया जाएगा थाईलैंड आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यह है थाईलैंड थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक और महाराजा वजीरा लॉन्ग कौन जो है वो वर्तमान समय में महाराज है यहां पर थाईलैंड और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज होता है वो है मैत्री एक्सरसाइज दो में इसका आयोजन करवाया गया था और ये मेघालय में आयोजित हुआ था इसके अलावा श्याम भारत एयरफोर्स का एक्सरसाइज है भारत और थाईलैंड के बीच में होता है लेकिन बहुत समय से इसका आयोजन नहीं हुआ थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक मुद्रा यहां पे चलती है बात महा वजीरालांग कौन जो है वो वर्तमान समय में यहाँ के क्या है राजा है महाराजा है यहाँ पे आज भी राजशाही चलती है आगे आते हैं विश्व का पहला ए सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले समय का फ्यूचर है आगे आने वाले समय का भविष्य जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या खतरे हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए एक विश्व स्तरीय बैठक हुई पहला इसका संस्करण आयोजित करवाया गया मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं तस्वीर में देखकर पहचान सकते हैं कहां पर इसका आयोजन हुआ है तो आप पाएंगे कि यहां यूके में इसका आयोजन करवाया गया है एक से दो नवंबर के दौरान ब्रिटेन में इसका आयोजन करवाया गया क्वेश्चन यहां पर यह भी बन सकता है ए बेस्ड लोक अदालत कहां पर विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड लोक अदालत राजस्थान भारत का पहला एआई बेस्ड स्कूल भारत का पहला एआई बेस्ड स्कूल यह कहां पर ओपन किया गया यह आपका केरल में ओपन किया गया कहां पर ओपन किया गया केरल एआई से आधारित दो और न्यूज ठीक है एआई पर आधारित दो न्यूज और पकड़ के चलिए ब्रिटेन विश्व का पहला ए सेफ्टी समिट यूरोपीय देश ब्रिटेन में इसका आयोजन करवाया गया भारत अमेरिका फ्रांस सिंगापुर सहित कई देश में पार्टिसिपेट करें एक से लेकर दो नवंबर तक इसमें यह देखा गया कि किस तरीके से इसमें आगे हम काम कर सकते हैं किस तरीके से ए आई जो है वो हमारे आगे आने वाले जीवन पर असर डाल सकता है क्योंकि अभी देखा जाए तो भारत में ए को या कई विश्व के कई देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग करने को लेकर के कोई कानून उपलब्ध नहीं है ऐसे में इसका गलत यूज होने की संभावना है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सौ विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सबसे कम मैचों में सौ विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं तेज गेंदबाज की यहां पर बात हो रही है उनका नाम है कहा गए कहा, कहा पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने यह उपलब्धि इस विश्व कप के दौरान हासिल की जो कि भारत में खेला जा रहा था भारत में जो विश्व कप खेला जा रहा था वो कौन सा संस्करण था विश्व एडिशन जो अभी भारत में हुआ उसका कौन सा एडिशन था तेरवा एडिशन भारत में खेला गया है चौदवा एडिशन आपका कहां पर होगा साउथ अफ्रीका नबीबिया और जिम्बॉम्बे में होगा उसके बाद वाला 2031 में जो वर्ल्ड कप होगा वो फिर से भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज साहिन ने 100 विकेट हासिल कर लिए हैं और वो इस तरीके से सबसे तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने इक्यावन मैच में ही ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था वो मिसेल स्टार्क के नाम था जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं उन्होंने बावन मैचों में सबसे तेज विकेट लिए थे तो तेज वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सौ विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने साइन अफरीदी आगे कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कच्छ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है सिंहासन कच्छ का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कच्छ कर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती होती है वो इकतीस अक्टूबर को मनाई जाती है आप बता देते हैं इसको किस रूप में मनाते हैं इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं यानी नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में इसको मनाया जाता है किस रूप में मनाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में इसको मनाया जाता है मजा आ रहा है मैं चाहता हूं कि मैं कम बातचीत करूं और आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट के तक पहुंचे क्योंकि डायरेक्ट करंट अफेयर्स आना बहुत अब रेयर होता चला जा रहा है और करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ स्टैटिक जो है वो बहुत पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी जाके हम क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे और इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने बहुत अच्छा स्टूडेंट ने रिजल्ट दिया है और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में यह और भी अच्छा हो तो कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष जो ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है उसका नाम सरदार पटेल जी के नाम पर रख दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए दो में ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता ब्रिटिश ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड ये किसको गया है यह गया है नंदिनी दास को किताब का नाम बता सकते हैं किस किताब के लिए गया है पहले की तरह डिटेल्स में ही तो करा रहा हूं कम कहां छोड़ा बाकी डिटेल्स जो है वो आप पढ़ सकते हो मैं कोई भी ऐसी डिटेल छोड़ ही नहीं रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो मैं वही पकड़ रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्रिस्पी ज्यादा तीखा ज्यादा मजेदार और एकदम एग्जैक्ट ये चल रहा है नंदनी दास किताब का नाम पे लिए रुका हूं ना मैं बताओ याद करना ही नहीं है याद कर रहे हो तो अपने साथ जागती कर रहे हो याद कर ही नहीं सकते हो कॉल्ट इंडिया मैं भी याद नहीं करता हूं बस चीजों को चार बार पढ़ता हूं चार बार पांच बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा एक बार आपने वीडियो देख लिया एक बार आपने पीडीएफ पढ़ ली फिर घुमा फिरा के कहीं पर नोट्स बनाए हुए हैं तो उसे पढ़ लिया या फिर फिर एक बार वीडियो देख लिया फिर एक बार पीडीएफ पढ़ ली इतना कर लोगे कभी भूलोगे ही नहीं मैं भूलने दूंगा ही नहीं क्योंकि आप देखोगे बीच बीच में ऐसी स्लाइड भी आएंगी जहां पर पिछला दस बारह स्लाइड का डेटा रहता है आगे आइए नंदनी दास की किताब का नाम याद रखिएगा कोर्टिंग इंडिया इस किताब में इन्होंने टॉमस रो जब भारत आए थे मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर उस समय मुगल इंडिया था भारत में मुगल साम्राज्य था सबको पता है तो उस वहां से लेकर के किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर आगे बढ़ा है वो इस किताब में बताया गया है और इसको नाम रखा गया है कोर्टिंग इंडिया पुस्तक तो है नंदिनी दास की चर्चा इसलिए क्योंकि इन्हें दो का ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड मिला ऑस्कर आप कह सकते हैं एक तरह का बुक बुक का ऑस्कर आगे फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा अरे बाप रे 2034 की बात होने लगी 2022 कहां पर हुआ था कतर में चार साल में होता है तो 2026 कहां पर होगा यूएसए मैक्सिको कनाडा में 2030 कहां पर होगा पोर्तुगल और स्पेन में और फिर 2034 कहां पर होगा ये होगा सऊदी अरबिया में 2034 के लिए कहां पर होगा सऊदी अरबिया में ठीक है पकड़ ले कतर यूएसए मेक्सिको कनाडा पोर्तुगल स्पेन और फिर उसके बाद 2034 वाला आपका कहां पर होगा सऊदी अरबिया में आयोजित करवाया जाएगा आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष इंफेंटिनो ये नोट कर लो फीफा के हेड कौन है जियानी गल्फ देश सऊदी अरब को फीफा विश्व कप दो की मेजबानी सौंप दी है इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दो फीफा पुरुष विश्व कप की बोली से इनकार कर दिया मतलब अब अकेला रह गया फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन मोरक्को और पुर्तगाल और स्पेन में करवाया जाएगा यहां पे मोरक्को में चैरिटी मैच होंगे पुर्तगाल स्पेन में मैच में मैच मेन खेले जाएंगे इसके अलावा अर्जेंटीना पैरागुए और में भी इसका आयोजन करवाया जाएगा वो भी चैरिटी मैच होंगे दो वाला कहां पर होगा सऊदी अरब में आयोजित करवाया जाएगा फीफा की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विटरलैंड में है दो वर्तमान समय में नेशनल मेंबर है जियानी इनपेन्टीनो वर्तमान समय में हेड है पहले इसमें 32 टीमें हिस्सा लेती थी लेकिन 2026 से जो यूएसए में होने वाला है उसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना है जिसने तीसरा टाइटल जीता है ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार पांच बार फीफा विश्व कप जीता है अर्जेंटीना ने किस टीम को हराया था 1930 में फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी अर्जेंटीना ने फ्रांस को यहां पर हराया था 2026 का कनाडा मैक्सिको यूएसए में होगा फीफा जो कतर होगावा एडिशन था तेईसवा एडिशन दो हजार छब्बीस में होगा चौबीसवा आपका दो में खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप की जो टैगलाइन थी वो थी नाउ इज ऑल इसमें बेस्ट फुटबॉल प्लेयर चुना गया था कायलिन मब्बापे को

2023 में स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है यह महिला विश्व कप की बात हो रही है फीफा महिला विश्व कप की बात हो रही है इसके अलावा फुटबॉल में कुछ घरेलू प्रतियोगिताएं भी होती हैं जिसमें होता है संतोष ट्रॉफी इस बार संतोष ट्रॉफी का आयोजन रियाद में करवाया गया था जिसमें कर्नाटक ने मेघालय को हराया था कर्नाटक ने किसको हराया था मेघालय को सबसे ज्यादा बार संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता वेस्ट बंगाल ने जीती है बत्तीस बार ठीक है याद रखेंगे ये केरल नहीं बत्तीस बार वेस्ट बंगाल ने जीती है इसके अलावा डूर कप होता है डूरन कप का एक संस्करण खेला गया आसाम और मेघालय में इसमें मोहन बागान ने जीत करी जीत दर्ज की है ईस्ट बंगाल को हराया मोहन बागान या ईस्ट बंगाल में से कोई भी जीत जाता तो वो अपनी मैक्सिमम ट्रॉफी ले जाता मोहन बागान जो है सत्रह बार इसको जीत चुका है चौबीस टीमें डूर खेलती है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है सारे टोटल करेंट इंटरफेस आपको मिल जाएंगे डीसीए ऐप पर द बेस्ट फीफा प्लेयर दो में लियोनेल मेसी पीएचडी चुना गया था और बेस्ट फीफा प्लेयर 2022 में एलेक्सिया पुटलेस को चुना गया था बार लेना। ये फीफा अवार्ड 2022 की चर्चा हुई है 2023 के अवार्ड की अभी घोषणा नहीं की गई एक नवंबर को गोवा राजभवन में कितने राज्यों शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया स्थापना दिवस मतलब जिस दिन वो बने थे तो आठ राज्य और पांच यूनियन टेरिटरी ने गोवा के अंदर अपना स्थापना दिवस मनाया ये आठ राज्य कौन से थे, थे ये तीसरी बार है जब गोवा राजभवन गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के बाद अन्य राज्यों का स्थापना दिवस मना रहा है इसमें आठ राज्य कौन कौन से थे आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश पंजाब तमिलनाडु यूनियन टेरिटरी थे अंडमान निकोबार चंडीगढ़ दिल्ली लक्षद्वीप और पुदुचेरी इन सभी का स्थापना दिवस जो है वो एक नवंबर को मनाया जाता है सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना बताइए आंसर करेंगे तो और मजा आएगा बिना आंसर किए बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा फिर आपको लगेगा मैं ही चल रहा हूं सिंगल टेलीकास्ट में मजा नहीं आता मैं भी थक जाऊंगा आप भी थक जाएंगे आप चाहते हैं मेरी ऊर्जा कम ना हो तो ऊर्जा बनाए रखिए आंसर जरूर एबीसीडी के फॉर्म में कर सकते हो कौन सा ऐसा दे था जिसने सारे आवारा कुत्तों की नजबंदी कर दी क्यों कर दी रेबीज फैल रहा था आवारा कुत्ते जो थे वो रेबीज फैला रहे थे अच्छा रेबीज से याद आया रेबीज की खोज किसने की थी रेबीज की खोज की थी लुइस पाश्चर ने दिमाग पे जोर जरूर डाला करें ये मत सोचा करें सर तो बता ही देंगे हम तो बता ही रहे हैं भाई हमारा काम ही है बताना लुइस पाश्चर ने स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई उसको करेक्ट कर लीजिएगा वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं लुइस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी रेबीज की खोज की थी भूटान इज द राइट आंसर भूटान ने नजबंदी कर दी है और इस तरीके से वहां पे आरा, आवारा पशुओं की जो आवारा कुत्तों की जो आबादी है उस पर लगाओ लगाम लगाया जा रहा है वर्ल्ड रेबीज डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं 28 सितंबर कब मनाया जाता है 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं 28 सितंबर तो 14 साल की लंबी परियोजना के बाद आखिरकार भूटान ने अपने सारे आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज कर दिया है यानी अब वहां पर कुत्ते जो है वो किसी काम के नहीं है राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबी नियंत्रण परियोजना को पूरा होने की घोषणा भूटान के प्रधानमंत्री लोटे सेरिंग ने की है भूटान की राजधानी बताएंगे हम ही बता देते हैं भूटान की राजधानी है थिंपू भूटान में नेशनल एनिमल होता है टेकिन कॉमन रेवन कौ की प्रजाति होती है ये काला होता है पूरा ये बर्ड होता है भूटान साइप्रस ट्री है हिमालयन ब्लू पॉपी हिम फ्लावर है पारो सेचू सेचू माउंटेन क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है इसलिए वहां पर जो त्यौहार भी है वो भी बौद्ध धर्म वाले ही है लोटेस एरिंग प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट है जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक राजा है ये सोगड़ू संसद का नाम होता है यहाँ पर संसद नहीं बुलाते सोगड़ू बुलाते हैं जोखा लैंग्वेज में सोगड़ू बुलाया जाता है पच्चीस लोग हैं केवल कुल नौ राज्य आपको मिलेंगे मुद्रा यहां पे चलती है गंगा गंगाखर पिन जो नेशनल सबसे ऊंची चोटी है मानस सबसे लंबी नदी है और नेशनल गेम आर्चरी यानी तीरअंदाजी और भूटान था जिसने हाँ जी सितंबर में मनाया जाता है 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे भूटान ही वो पहला देश है जिसने विश्व को बोला कि क्या कमाओ कमाओ के चक्कर में पड़े हुए हो कमाने से क्या होगा ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स का फॉर्मूला दिया भारत के किस क्रिकेटर की तस्वीर ये प्रतिमा सॉरी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया वानखेड़े स्टेडियम में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था दस साल पहले यानी 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया था तेंदुलकर ने 2011 का वर्ल्ड कप भी इसी मैदान से जीता था सचिन को इस प्रतिमा में उनके ट्रेडमार्क लॉफ्टेड ड्राइव पोज में चित्रित किया गया है

पुरस्कार दिया गया है पुरस्कार का नाम जरूर याद रखेगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है इनका नाम है बिहान तालिया विकास जो कि बंगलोर के हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार जीता लंदन के मध्य में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को अक्सर फोटोग्राफी का आस्कर भी किया कहा जाता है इसके अलावा जो पूछी जाने लायक न्यूज होती है वो होती है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर दो की तेईस की एवगिनी मलोटेका मलोल्ट मलोल्टिका मलोलेटका मनोलेटका इन्होंने मरियोपोल अस्पताल की एक तस्वीर खींची है ये पूरा का पूरा अस्पताल जो है तबाह हो गया है इसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन है एक गर्भवती महिला है जो कि इलाज के लिए जा रही है बाद में उसकी मौत हो जाती है ये तस्वीर जो है मारियोपोल की तस्वीर है इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर दिया गया था अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगर आप रीजनिंग की कोई बुक ढूंढ रहे हैं ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जिसमें पीवाई की भी हो क्वेश्चन का अच्छा एक्सप्लेनेशन भी हो और इस तरीके से तो उसको बनाया गया हो ताकि आपको कहीं और कुछ और पढ़ना ना पड़े तो संपूर्ण रीजनिंग बुक आपके लिए उपलब्ध है इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर ले सकते हैं डीसीए ऐप पर ले सकते हैं यह बुक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है जो हिंदी में होगी उसमें यहाँ पर हिंदी में संपूर्ण लिखा होगा और अंग्रेजी में है तो ये संपूर्ण लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी बायलिंग्वेल नहीं है एक बैच चल रहा है संपोर्ट रीजनिंग बैच 5.0 लाइव है इसकी क्लासेस रात नौ होती हैं इस बैच में आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिस पूरा करेंगे थ्योरी जो है वो मैं रोज करा रहा हूं रोज लाइव होती है क्लास मार्च से पहले आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा सारे सब्जेक्ट रीजनिंग के सभी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे सब्जेक्ट नहीं सारे टॉपिक इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे चाहे वो इनपुट आउटपुट हो चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो चाहे वो डेटा सफिशियंटी हो चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो सब कुछ इसके अंदर कवर कराया जाएगा अगर आप इसे बुक के साथ लेना चाहते हैं तो आप इसे लीजिए

मैं आपको वो वजह बता दूंगा कि आप क्यों सैचुरेट हो गए मैं आपको वहां पर ले जाऊंगा जहां पर आप जाना चाहते हैं एक्चुअल में होता है कि हम एक जगह कंटेंट पे जाके फंस जाते हैं ट्रैप में आ जाते हैं उस ट्रैप से निकालने का काम मेरा तो बिल्कुल आप इस बैच को ज्वाइन करिए और मेरे साथ रोज क्लासेस करिए आगे आते हैं हुरोन इंडिया परोपकार सूची दो में शीर्ष स्थान पर कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा दान किया है वो है शिवनादर एस टेक्नोलॉजी के शिवनादर जो है वो एडल गेव इंडिया लिस्ट में टॉप पर रहे हैं और इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो शिवनादर ने दो करोड़ रुपए दान किए दूसरे नंबर पे अजीत प्रेम जी हैं जिन्होंने सत्रह करोड़ रुपए दान किए हैं मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पे हैं जिन्होंने तीन करोड़ रुपए दान किए हैं और इस तरीके से इस सूची में लास्ट में है रोहिणी नील जिन्होंने एक करोड़ रुपए दान किए हैं अगला हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना है किसकी बात हो रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहां पर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्तमान समय में इसके हेड कौन है प्रेसिडेंट कौन है डब्ल्यू एच ओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस टेड्रोस किस देश से है इथोपिया से है अभी हाल फिलहाल एशिया दक्षिण एशिया क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में इसकी हेड बनाई गई है साइमा वाजिद साइमा वाजिद कौन है प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है ये इन्होंने अपने चुनाव में डॉक्टर शंभू प्रसाद आचार्य को हराया साइमा ने जो कि नेपाल से थे वर्तमान समय में इस पद पर भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह काम कर रही थी पूनम खेत्रपाल सिंह की जगह कौन लेंगे साइमा वाजिद साइमा वाजे दूसरी बांग्लादेशी हैं जो इस पद पर आ रही हैं सैयद मुदसर अली इस पद पर उससे पहले बांग्लादेश से रह चुके हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया अब नरेंद्र मोदी जी ने ही किया वर्ल्ड फूड इंडिया यानी पूरे विश्व को खाने के प्रोसेस के बारे में बताना खाने के तरीकों के बारे में बताने के लिए इसका आयोजन करवाया गया है और ये इसका दूसरा संस्करण है जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर आयोजित करवाया गया इसकी आयोजन में कई सारे देश जो है, वो से पेट की है। लेकिन आपसे जो प्रश्न तो भी नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था लेकिन इसमें एज ए कंट्री पार्टनर कौन था नीदरलैंड जापान को यहां पर आयोजन का मुख्य देश चुना गया था मेन कंट्री फॉर द इवेंट ठीक है तो नीदरलैंड के खाने का यहां पर प्रदर्शन हुआ इसके अलावा जापान के भी खाने का यहां पर प्रदर्शन हुआ तो नीदरलैंड जो है वो कंट्री पार्टनर के रूप में हिस्सा लिया है जबकि जापान जो है वो मेन कंट्री फोकस के रूप में यहां पर हिस्सा लिया ये कहां पर आयोजित हुआ नई दिल्ली में अब यहां पर एक प्रश्न आपके सामने आता है खाने वाली इंडस्ट्री से जो यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था यूपीएससी की प्रीलिम्स में 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था लेकिन इससे पहले इसको पढ़ लीजिए ऊपर एक जानकारी आपको दी गई है उसके आधार पर आपको आंसर करना है आप सभी को आंसर करना है कोई यहां से बच के नहीं जाएगा देखिए आप चीजों को फेस करेंगे जरूर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी मैं चाहता हूं कि मैं आपको उस लेवल पे पढ़ाऊं जिस लेवल पे ना आप सोच सके ना किसी की कल्पना जा सके देखिए लिखा है इंडिया लीड द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बनाना मैंगोस पपायाज गोआवास जिंजर ओकरा बफेलो मीट रैंक सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस वीट पोटैटो गार्लिक एंड कैश्यूनट ऊपर कहने का मतलब यह है कि भारत का पहला स्थान है प्रोडक्शन में दूध में हाँ आज की डेट में दूध हो गया है है ना अब वो नहीं है डेनमार्क पहले नंबर पर पह नहीं है अब भारत पहले नंबर पर पह है दूध के उत्पादन में केला आम पपीता अमरूद अदरक ओकरा और बफेलो मीट जबकि सेकेंड नंबर पर हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है पूरे विश्व में राइस वीट यानी राइस चावल गेहूं आलू अदरक लहसुन है ना ये होता लिखा हुआ है एमोंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ऊपर हमने किसकी बात की है प्रोडक्शन की बात की है तो प्रोडक्शन में भले ही हम दूसरे नंबर पे हैं लेकिन राइस के पिछले पांच सालों के दौरान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमने किया है यानी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इस तरीके के प्रश्न बनते हैं इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसके बाद सेकंड नंबर पे थाईलैंड है चाइना तो दूर दूर तक नहीं है दूसरे नंबर पे वियतनाम है तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट का नंबर आता है राइस के एक्सपोर्ट में चाइना है ही नहीं शुरू के पांच देशों में जो लोग चाइना कर रहे हैं वो ध्यान से देखें आगे बढ़ते हैं साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो टी पद्मनामन केरल ज्योति पुरस्कार क्या है केरल सरकार जो है पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर हर साल केरल ज्योति केरल प्रभाव केरल श्री पुरस्कार देती है इस बार केरल ज्योति पुरस्कार जो है है वो दिया गया टी पद्म को टी पद्मनावन को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया जबकि एम फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका भी हाल ही में देहांत भी हो गया है केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया नटराज कृष्ण मूर्ति को केरल प्रभा पुरस्कार मिला केरल ज्योति पुरस्कार केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है और केरल प्रभा पुरस्कार तीन अधिकतम तीन व्यक्तियों को दिया जा सकता है केरल श्री पुरस्कार यह तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है यह अधिकतम छह व्यक्तियों को दिया जा सकता है यह केरल सरकार द्वारा इन पुरस्कारों का शुरुआत दो में किया गया था जो लोग ज्यादा योगदान देते हैं समाज में उनके लिए इन पुरस्कारों को किया जाता है रांची में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता ध्यान क्या क्या रखना है एशियाई चैंपियन ट्रॉफी कहां हुई है रांची झारखंड में महिला टीम ने जीत लिया है इंडिया की किसको हराया है जापान को हराकर यह ट्रॉफी जीती है इससे पहले सिंगापुर में एक बार और हमने जीता था दो बार भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है कितने बार जीती है दो बार भारतीय हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है इन्होंने जापान को हराया संगीता कुमारी नेहा लार लारेम श्यामी और वंदना कटारिया के गोल की मदद से भारतीय महिला टीम ने दो बार की चैंपियन जापान पर जीता भारत ने अपना पहला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी दो 2016 में सिंगापुर में जीता था जापान ने 2013 और 2021 में दो बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का जीता है अगर बात करें एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का पहला संस्करण 2010 में भूसान में हुआ था भारत ने जो जीता है दो वाला वो सिंगापुर में हुआ था भारत ने चाइना को हराया था अब की बात दो में एक बार फिर से भारत ने जीता है जापान को हराया चाइना तीसरे नंबर पर रहा है एशियाई मेंस भी ट्रॉफी हुई भी, भी भी भी, इसका पिछले पढ़ाया था मैंने आपको भारत, की सबसे सफल टीम है मलेशिया को हराया है और यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हो रही थी चेन्नई में आयोजित हो रही थी प्रतियोगिता थी चेन्नई में पहली बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो है वो भारत में हो रही थी अभी तक ये भारत में नहीं हुई लेकिन भारत ने इसको जीता कितने बार है चार बार जीता है सर्वाधिक चार बार सबसे ज्यादा एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला देश कौन सा है भारत ठीक है याद रखें राज पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है तो डॉक्टर राजकुमार पुनीत पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है क्योंकि पुनीत आर राजकुमार कर्नाटक में ही रहने वाले थे ये एक फिल्म अभिनेता थे कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका देहांत हो गया था इसीलिए इनके नाम पर यह योजना शुरू की गई कि आस्ता खेलता एक आदमी स्वस्थ आदमी कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गया यानी हार्ट फेल हो गया उसका तो ये योजना क्या करेगी ऐसी किसी भी परिस्थिति में जहां पर इस तरह के कोई भी लक्षण नजर आएंगे वहां पर तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकता है तुरंत जो है वहां पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तो जो महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समय है जिसमें दिल के दौरे के पीड़ित लोगों की मदद की जा सकती है और उन्हें बचाया जा सकता है उसको कम कर दिया जाएगा वहां पर पहुंचकर उपचार प्रोवाइड करवाया जाएगा ठीक है तो ये कर्नाटक के स्टार थे और लोग जो है वो काफी और निजी अस्पतालों में स्पेशल टेनेक प्लेस इंजेक्शन रखे जाएंगे के लिए तीस हजार रुपए से पैंतालीस हजार रुपए लेते हैं लेकिन अब ये जो इंजेक्शन है ये लोगों को मुफ्त में मिलेंगे टेनेक्त इंजेक्शन जो होता है मसल रिलैक्स कर देता है हार्ट पंपिंग आसान कर देता है और जो निजी अस्पताल होते हैं पैंतीस से चालीस हजार रुपए वहां पर ले रहे हैं लेकिन ये मुफ्त दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है प्रोफेसर सी वी रमन जैन जी की जयंती सात नवंबर को मनाई जाती है सी वी रमन प्रकाश प्रकीर्णन पर अपने कार्य के लिए 1930 में नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे अगर देखा जाए तो ये पहले भारतीय नहीं थे पहले भारतीय कौन थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया था लेकिन अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स के क्षेत्र में पहले भारतीय थे जिनको नोबल पुरस्कार दिया गया सी रमन जी की जयंती सात नवंबर को होती है बहुत एक एंड दो सही है बट जो विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे वो कब मनाते हैं साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं कोई बताए हाँ 1930 में सीवी रमन को मिला था मैं एग्री करता हूं आपसे मैं ये पूछ रहा हूं साइंस डे कब मनाते हैं नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी को ही 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी जिसके जरिए आज काफी सारी चीजें खोज की जा सकती हैं हर लैब में लगभग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से इन्हें रमन स्कैटरिंग की वजह से नोबल पुरस्कार दिया गया था रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए सीवी रमन को नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात की जाए तो सबसे पहले टैगोर को मिला था लिटरेचर के लिए नाइनटीन में सेकेंड नंबर पे सीवी रमन को मिलता है फिजिक्स में 1930 में फिर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में 1968 में मदर टेरेसा को पीस में 1979 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर लिमिट के लिए फिजिक्स में 1983 में अमर्त सेन को इकोनॉमिक्स में 1998 में वेंकट रमन रामकृष्णन केमिस्ट्री में 2009 में कैलाश सत्यार्थी पीस 2014 हजार अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक दो ये वो लोग हैं जिनको अभी तक धन्यवाद शुभांगी लेकिन बच्चों को और बुलाइए और भाई शेयर एयर कराओ तुम लोग भी इसके अलावा सात नवंबर को एक और मनाते हैं शिशु संरक्षण दिवस यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन डे बच्चों की देखभाल के लिए इस बार थीम रही इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड राइट टू थ्राइव यानी हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए सात नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस या इसे आप नेशनल कैंसर डे भी कह सकते हैं 2014 से हर साल मनाया जा रहा है अब भारत में सबसे ज्यादा कैंसर जो है वो मिजोरम में है सबसे ज्यादा कैंसर की जो रेट है वो मिजोरम में है ये प्रश्न पिछले करंट अफेयर्स में था पिछले महीने के वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो चार फरवरी को मनाया जाता है इस बार इसकी थीम क्या रही है क्लोज द केयर गैप क्लोज द केयर गैप क्लोज द केयर गैप ठीक है याद करते रहिए साथ साथ नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पंचानवा देश कौन सा शामिल हुआ नाइनटी फिफ्थ कंट्री एक सौ सो सोलह देश में पिंचानवे देश ऐसे हैं जिन्होंने साइन कर रखा है आईएसए की स्थापना कब हुई थी 2015 में 2015 में तत्कालीन फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंका सोलान और नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिलकर आज दो हजार में इसकी स्थापना की गई थी इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है जो स्लाइड में लिखा हुआ है अजय माथुर इसके वर्तमान समय में हेड है चिली जो है सबसे न्यूएस्ट मेंबर है इसका जिसमें शामिल हुआ इंटरनेशनल सोलर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस चिली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पंचानवा देश है चिली ने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ चिली के राजदूत चुआन अंगलो की बैठक के दौरान आई से अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा यह बैठक 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी ऐप में सही चल रहा सबके सब, सब इधर ही देख रहे हो ऐप में नहीं देख रहे हो क्या ऐप पर है कोई चिली चिली किस कॉन्टिनेंट में आएगा मैंने बोला ना 2015 में आईसीए की स्थापना की गई थी चिली जो है ये दक्षिण अमेरिका में आता है 116 सो देश आई पे साइन कर चुके हैं पंचानवे देशों ने इसमें समझौते पर पूरी तरह से हस्ताक्षर कर दिए हैं कॉप ट्वेंटी में इसको लागू किया गया था ये कॉर्नर वाला जो देश दिख रहा है ये लंबा सा चिली है पूरे देश में एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है यानी एंडीज माउंटेन फैला हुआ है इसमें दो कंट्री ऐसे हैं बोलिविया और पैरागुए जो कि लैंडलॉक कंट्री है ये प्रश्न ने पूछा था कि दक्षिण अमेरिका में कौन से ऐसे दो देश हैं जो लैंडलॉक हैं यानी उनमें समुद्र की सीमा टच नहीं करती तो बोलिविया और पैरागुए जो है वो दो, दो देश ऐसे हैं चिली जो है चिली की राजधानी बताएंगे सेंटियागो चिली की राजधानी क्या है सेंटियागो अच्छा यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको मैक्सिको मिलेगा ऊपर कोई बता सकता है मैक्सिको में अभी एक तूफान आया है बहुत तगड़ा तूफान आया था स्केल फाइव का स्केल फाइव या क्लास फाइव आप कह सकते हैं तगड़ा तूफान था जर्रा जर्रा उड़ा दिया मैक्सिको का उस तूफान का नाम क्या था उस साइक्लोन का नाम क्या था एकदम बढ़िया है भाई हम तो आ ही रहे थे आप ही नहीं आ रहे थे दिव्यांशु कैसे हो शेयर करते रहो कोई बताओ हारमोन बिली बिली चल पगले ले ओटिस ये है करंट अफेयर्स तुम लोगों का ओटिस आया था बिली बिली तो ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है तूफानों को साइक्लोन मोचा मोचा भारत में आया था हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तुम लोग भारत के तूफान बता रहे हो आगे आओ भारत के मुख्य सूचना आयुक्त रूप में किसे नियुक्त किया गया ध्यान रखें हीरा लाल समरिया यहां पर प्रश्न यह बनेगा सूचना राइट टू तो इंफॉर्मेशन कब आया था यह कब आया था ध्यान रखेंगे 2005 में रेटिफाई हुआ एक्जैक्ट डेट बता दू इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे पता है राइट टू तो इंफॉर्मेशन 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था पूरे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार लागू हो गया था इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसको किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया आर्टिकल नंबर नाइनटीन वन में राइट टू इंफॉर्मेशन रखा गया क्या रखा गया है राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल नाइनटीन को आप फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला आर्टिकल भी कहते हैं ना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है यह आर्टिकल नंबर नाइनटीन वन में रखा जाए और क्या बन सकता है पहले सूचना आयुक्त कौन थे 2005 में पहले फर्स्ट सीआईसी कौन थे कौन थे नहीं पता हम बता देते वज़ा हबीबुल्लाह वजा हबीबुल्लाह पहली महिला सीआईसी कौन है पहली महिला सीआईसी थी, वीमेन सीआईसी, फर्स्ट वीमेन सीआईसी, समझ में आ जाएगा बी डब्ल्यू लिखाइए सुमन सिन्हा कितने मेंबर होते हैं दस प्लस वन यानी एक सीआईसी होता है दस आईसी होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वर्तमान समय में एक सीआईसी हैं है और दो है आठ खाली पड़े राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई केंद्रीय सूचना आयोग वाई के सिन्हा का कार्यकाल पूरा हो गया हीरालाल सामरिया वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत उनका प्रमोशन हुआ है फिलहाल दो सूचना आयुक्त जबकि आठ सूचना आयुक्त के पद जो है वो भारत में खाली चल रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई अधिनियम के अनुसार दो में इसको लागू किया गया था मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक या पैंसठ वर्ष के आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रह सकते हैं मतलब इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है अधिकतम ग्यारह सूचना आयुक्त हो सकते हैं अपॉइंटमेंट वाली स्लाइड है इसको देख लीजिएगा सारे अपॉइंटमेंट है ऑलमोस्ट साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा शेयर कराओ भाई नहीं तो बंद कर देंगे हम अच्छा नहीं लग रहा मुझे संथाल जनजाति थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है संथाल जनजाति थे और ये पहले दलित सीआईसी हैं। ये याद रखिएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शेयर कराओ फटाफट पड़ा। तब आगे पढ़ाऊंगा नहीं तो रुका हुआ हूँ मैं कौन सा देश है जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा तो यह है बांग्लादेश कौन सा है बांग्लादेश बांग्लादेश 2025 में 24वीं। कब करेगा 2025 में विश्व तीरंदाजी एशियाई कांग्रेस 3 नवंबर में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी ये कहां पर की गई थी दो में यह कांग्रेस की बात हो रहा है चैंपियनशिप की बात नहीं हो रही बैठक हुई वहां पर यह डिसाइड किया गया बांग्लादेश और चीन दो देश थे जो कह रहे थे कि हमको करवाने को दो लेकिन उन्होंने कहा ठीक है रहने दो बांग्लादेश को दे दिया गया तेसवीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप पांच नवंबर को बैंकॉक थाईलैंड में शुरू हो गई है कहां शुरू हो गई बैंकॉक थाईलैंड में इस बार कहां पर हो रही है बैंकॉक थाईलैंड में हो रही है और चौबीसवीं कहां पर होगी बांग्लादेश में होगी किस राज्य के, के, रिस, के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्रदान किया गया केरल क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी महिलाएं पर्यटक जो हैं उनके साथ किसी तरह की असुविधा ना हो उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और वो यहां पर अच्छे से ट्रेवल कर पाए तो बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है केरल रेस्पॉन्सिबिल टूरिज्म मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड यह अवार्ड केरल को दक्षिण अफ्रीका में भूमि से एक गिरे देश एसवाति के साथ मिला है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड इसकी स्थापना रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा की गई थी छह कैटेगरी में इसको ये अवार्ड दिया जाता है केरल को यह अवार्ड किसमें मिला है बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्या मिला है बेस्ट टूरिज्म अवार्ड केरल का करंट अफेयर चाहिए आप पढ़ लीजिएगा केरल के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है केरल के वर्तमान समय में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान इस वर्ल्ड कप के दौरान एक बहुत बेहतरीन घटना घटी थी कि पहली बार कोई बैटर जो है वो टाइम आउट हो गया था और उनका नाम क्या था एंजिलो मैथ्यूज तो पहली बार टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने एंजिलो मैथ्यूज किस टीम के खिलाफ बांग्लादेश के खिलाफ साकिब अल हसन ने कमेंट कर दिया दो मिनट के अंदर दूसरी गेंद खेलनी होती है उनका हेलमेट टूट गया था वो कर नहीं पाए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का किताब किस टीम ने जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में घरेलू ट्रॉफी है तो इसको पकड़ते जाओ कहा लिखो क्या लिखता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होती है वो होती है रणजी ट्रॉफी रणजी इस बार किसने जीती है सौराष्ट्र किसको हराया था बंगाल को हराकर फिर होती है विजय हजारी ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी इसमें भी सौराष्ट्र ने इस बार जीत दाखिल की किसको हराया महाराष्ट्र को रजी ट्रॉफी टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है मतलब पांच दिन मैच चलता है विजय हजारे ओडीआई फॉर्मेट में खेली जाती है और सैयद मुफ्ताक अली ट्रॉफी जो है ये टी ट्वेंटी फॉर्मेट में खेली जाती है जो टीम रणजी ट्रॉफी में अड़तीस टीमें हिस्सा लेती हैं विजय हजारे में अड़तीस टीमें हिस्सा लेती हैं इसमें भी अड़तीस इस टीम हिस्सा लेती हैं जो टीम रणजी ट्रॉफी जीत जाती है उसका मैच ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया से कराया जाता है इस बार रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हरा दिया यानी रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीत दर्ज की और सौराष्ट्र को हार देखनी पड़ी तो पूछा जाएगी ईरानी ट्रॉफी में कितनी टीमें खेलती हैं तो ईरानी ट्रॉफी में दो टीमें खेलती हैं टेस्ट फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में खेलती हैं टेस्ट फॉर्मेट में याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है सारे अब आपको पूरा घरेलू प्रतियोगिता करा दी भारत की सबसे पुरानी क्रिकेट जो है, क्रिकेट जो है, वो 1934 से रजी ट्रॉफी चल रहा है कौन सा चल रहा है इस बार सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है ये पंजाब ने जीती है पंजाब ने बड़ौदा को दिया किसने जीता पंजाब ने बड़ौदा हराया सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं सैयद मुस्तक अली ट्रॉफी में घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसे बीसीसीआई द्वारा आयोजित करवाया जाता है इसमें अड़तीस टीमें हिस्सा लेती हैं भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100 प्रतिशत एफडीआई हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी एफडीआई का मतलब होता है भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें विदेशों से पैसा नहीं लाया जा सकता जिसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में दो रूट हैं जिनके जरिए आप विदेशों से पैसा ला सकते हैं एक ऑटोमेटिक रूट है गवर्नमेंट रूट है ऑटोमेटिक रूट ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप बाहर से पैसा बड़े आराम से ला सकते हैं सरकार की पूछने की जरूरत नहीं है लेकिन गवर्नमेंट रूट जो है वहां पर आपको सरकार से पूछना पड़ेगा सरकार आपको बताएगी कि हाँ ऐसे ऐसे आपको पैसा लाना है या आपको ऐसे पैसा लाना है ठीक है तो अभी तक रक्षा के अंदर यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि पूरी की पूरी एक कंपनी ही भारत के अंदर काम करने लगे लेकिन साब को ये मौका दिया गया है। है, एक विदेशी कंपनी जो यहाँ पर पूरी तरीके से काम करेगी। स्वीडन रक्षा पहली विदेशी हो गई वर्तमान में भारत स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में केवल 74 का ही किया जा सकता था। उसके बाद मामला दर मामला आधार पर मंजूरी प्राप्त की जा सकती है दो हजार पंद्रह से मंजूरी में ढील दी गई है साहब ने काल फोर सिस्टम की नई पीढ़ी बनाने के लिए एक नई कंपनी साहब एफ इंडिया की स्थापना की है यह क्या करेंगे जो है पहली बार स्विटरलैंड के बाहर स्वीडन के बाहर कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट का निर्माण भारत के अंदर करेगा साहब के 500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अक्टूबर में मंजूरी दे दी गई थी तो ये काफी बड़ा मामला है फिलहाल जो एफ लिमिट है वो बैंकिंग में ट्वेंटी है गवर्नमेंट सेक्टर के जरिए ही आ सकते हो आप बैंकिंग प्राइवेट में आप 74 परसेंट तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऑटोमेटिक के जरिए 49 परसेंट और गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के जरिए फोर्टी इससे ऊपर आना है तो गवर्नमेंट रूट से आना होगा यानी सरकार की परमिशन लेनी होगी इंश्योरेंस सेक्टर में सेवेंटी ऑटोमेटिक आ सकते हो एसेट रिकंस्ट्रक्शन यानी कुछ बना रहे हो यहाँ पर कोई बिल्डिंग डेवलप कर रहे हो तो सौ क्योंकि बिल्डिंग तो लेके जाओगे नहीं क्रेडिट इंफॉर्मेशन में सौ परसेंट क्योंकि पैसा यहां पे बांटोगे तो फिर लेके जाओगे नहीं वाइड लेवल एटीएम में सौ परसेंट है पेंशन सेक्टर में आपका फोर्टी नाइन परसेंट है एक सेकेंड बैटरी चला गया अभी लगवाते हैं आई थिंक अभी आ गया होगा ऑन

ना ओके okay, सब बढ़िया जगह बाल जा रहे हैं राहुल सर के बातें करेंगे देखना अभी देखना अभी बातें करना मैं शुरू कर दू देखना अभी पूरे लाइव काउंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे सब रुक जाओगे एकदम अरे बतिया रहे है सर मजा आ रहा है आगे आते हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया इस प्रोग्राम का नाम दिया गया था जल दिवाली क्या नाम दिया गया था जल दिवाली पानी के लिए महिलाएं महिलाओं के लिए पानी और यह अमृत मिशन के अंतर्गत चलाया गया अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखना यह जरूरी है अटल मिशन फॉर रिज्यूमेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था यह किसने लॉन्च किया था तो आपको यहां पर दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था जल दिवाली जल दिवाली का क्या मतलब है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान की शुरुआत की गई इस अभियान में अमृत मिशन के तहत किया गया है इसका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया सात से नौ नवंबर तक इसका आयोजन किया गया इस अभियान का उद्देश्य जल प्रबंधन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है इसमें ये लोग ये करेंगे कि महिलाओं को कई सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर जाएंगे वहां पर यह सिखाएंगे कि कौन सा पानी पीने लायक होता है अगर आपके पास गंदा पानी है तो आप उसे कैसे ट्रीट कर सकते हो आप उसे कैसे सही कर सकते हो कैसे आप वाटर को मैनेज कर सकते हो तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत की जाएंगी हाल ही में भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं अच्छा ये बताओ आपका जो मैप होता है इंडिया का इंडिया का जो भी मैप है उसमें कितना हमारा समुद्री टेरिटरी है कितना हमारा लैंड टेरिटरी है ये कैसे कौन कौन डिसाइड करता है ये आपका सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया डिसाइड करता है भारत में पहले सर्वेयर जनरल इंडिया लाने का श्रेय किसको जाता है लॉर्ड क्लाइव को रॉबर्ट क्लाइव भी आप ज्यादा बोले और पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे कॉलेंस मैकेजी भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे अभी हाल फिलहाल हितेश एस मकवाना जो है वो आपके सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने उन्होंने अनुराग सॉरी सुनील कुमार की जगह ली है तो हितेश कुमार मकवाना जो है भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं अधिकारी होते ये वनडे विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना सबसे तेज दोहरा शतक वनडे विश्व कप के अंदर तो ये आपके बन गए हैं लगाने वाला ये दूसरा बल्लेबाज ये विश्व कप के अंदर सबसे तेज लगाया है ग्लेन मैक्सवेल ने और दूसरी पारी में लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं और ऐसे पहले बल्लेबाज है जो सलामी नहीं थे मतलब ओपनर नहीं थे बाद में आए तो ग्लेन मैक्सवेल ने यह अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की थी क्या मारता है भाई ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दो लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं उन्होंने दो रन का स्कोर बनाया है मैक्सवेल पुरुष वनडे क्रिकेट में दोहरा सत्ता बनाने वाले पहले गैर सलामी बल्लेबाज भी बने लेकिन इससे पहले यह उपलब्धि जो है वनडे वर्ल्ड कप में दोहरा सत्ता लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं क्रिस गेल है जिन्होंने 215 रन बनाए थे पहले वर्ल्ड पहला दोहरा शतक जो वर्ल्ड कप में लगाया था किसी खिलाड़ी ने वो आपका कितने लगाया था क्रिस गेल ने अच्छा पहला दोहरा शतक वनडे में लगाने वाला खिलाड़ी कौन था पहला दोहरा शतक यानी डबल सेंचुरी लगाने वाला वनडे में खिलाड़ी कौन था वो सभी मैचों को काउंट कर लीजिए बाबर आजम को पछाड़ आए पूछ रहे हो कि बता रहे हो सचिन तेंदुलकर वेरी गुड बाबर आजम को पछाड़कर ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज कौन बन गए तो ओडीआई रैंकिंग पर नंबर वन बल्लेबाज मुझे यह नहीं कि विराट कोहली क्यों नहीं आया सुबमन गिल बने थे शायद पूरे साल का देखा जाता है तो सुबमन गिल जो है वो नंबर वन रैंकिंग पे आए थे मोहम्मद सिराज जो है वो बॉलर रैंकिंग में नंबर वन पर आ गए थे और इस बार मोहम्मद शामी ने विश्व कप में कितने विकेट लिए थे क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं उसने इस वर्ल्ड कप में। अभी तक किसी भी बॉलर ने इतने विकेट नहीं लिए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर कितने विकेट लिए? टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता नोवाक जोकोविच नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता था और उन्होंने वो सर्बिया के हैं फाइनल में उन्होंने ग्रिगोर द्रिमित्रो को हराया था सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो श्रेय है वर्तमान समय में नोवाक जोकोविच के पास है 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं राफेल नडाल 22 जीत चुके हैं रोजर फेडर 20 जीत चुके हैं पीट सम्राज 14 और 23 जीता था मार्गिटा बंद्रुसकोवा ने ऑस्ट्रेलियन

यूएस ओपन का खिताब इस बार नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ को कोको गॉफ अमेरिकन है सेरेना विलियम्स के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका मिला उनको अमेरिकन किसके अवसर पर भारत हर साल अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाता है तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं धन्वंतरि जयंती वाले दिन धन्वंतरि जयंती को हम लोग मनाते हैं धनतेरस है ना तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इस बार इसकी थीम रही तो आयुर्वेद दिवस धनतेरस को मनाया जाता है इसको याद रखिएगा अच्छा अभी हाल ही में डब्ल्यू एच ओ के जो हेड थे डायरेक्टर जनरल वो भारत आए और उन्होंने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर आ, का ओपन उप, किया यानी उद्घाटन किया ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहां पर ओपन किया गया ये कहां पर ओपन किया गया किस जगह पर ओपन किया गया सोचकर बताइए ये आपका ओपन किया था किया गया था गुजरात के जामनगर में गुजरात जामनगर डिस्ट्रिक्ट अंडमान सागर में आयोजित म्यांमार और रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास मारू मैक्स का कौन सा संकट 8 नवंबर को हुआ पहला म्यांमार और रूस मिलकर के काम कर रहे हैं अच्छा म्यांमार के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है मिंट स्वे। चूकी को उठा के हटा दिया इन्होंने। सेना के नायक थे गए। और इस वजह से एफ ने इसको ब्लैकलिस्ट में भी डाल दिया है किसको म्यांमार को आंग सान सु को नोबल पीस कब मिला था किस वर्ष मिला था म्यांमार की नेता है आंग शांकी को नोबल का पीस अवार्ड दिया गया था पूरी जिंदगी इन्होंने जेल में काटी है मतलब बंद होके काटी है नोबल का पीस पुरस्कार इनको कब दिया गया 1991 में कब मिला था 1991 में उन्नीस में याद रखिएगा और पहली बार भारत और भारत में म्यांमार कह रहा हूं पहली बार रसिया और म्यांमार जो है वो हवा पानी की सतह और पानी के नीचे की खतरों को रोकथाम और संबंधित सुरक्षा उपायों के ऊपर मारूमैक्स किया यह पहला एडिशन था चार के आरोप में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया एंटोनियो कोस्टा जो थे वो पोर्तुगल के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन अभी तक नया प्रधानमंत्री अपॉइंट नहीं हुआ है तो अभी भी वो पोर्तुगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया उनका नाम क्या था एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के राष्ट्रपति बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ पुर्तगाल कौन है नौ नवंबर को गोवा में संपन्न हुए सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल शीर्षक पदक विजेता कौन रहा सैतीसवें राष्ट्रीय खेल कहां हुए गोवा में इस बार सबसे ज्यादा पदक किसने जीते सबसे ज्यादा पदक इस बार महाराष्ट्र ने जीते हैं पिछली बार किसने जीते सर्विस ने तो सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल कहां पे हुए गोवा में हुए और इसका मस्कट क्या था मोगा मोगा क्या है एक बाइसन है बाइसन यानी ये बाइसन क्या है गोवा का राजकीय पशु है तो उसी को यहां पर मस्कट बना दिया गया था मोगा महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं टेबल टेली मेडल टेली की बात करें तो महाराष्ट्र ने दो टोटल पदक जीते अस्सी गोल्ड है सर्विसेस ने छाछठ गोल्ड पदक जीते और यहां पर वो एक टोटल मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहे तीसरे नंबर पर हरियाणा बासठ गोल्ड मेडल और एक पदक के साथ रहे हल्के में ना लेना यही मेडल टली आई है एस में इस बार प्रीलिम्स में टीयर वन में पूछी गई थी कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं सर्विसेज कौन है सर्विसेज सेनाएं होती हैं रेलवे भी होती है उसके अंदर सर्विसेज कोई राज्य नहीं है <coughs> सेनाएं हैं भारत में हड़ताल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है बाद में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ग्यारह नवंबर को मनाते हैं बाद में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं ग्यारह नवंबर को और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है यानी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं चौबीस जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं चौबीस जनवरी को ठीक है और ये क्यों मनाते हैं क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और देश में आई खड़गपुर की स्थापना करने वाले कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था उन्नीस में नाइनटीन में बिल्कुल काम करेगा दौड़ के काम करेगा ये सिर्फ मंथली मत किया करो डेली भी किया करो काम करोगे कम रिजल्ट चाहोगे ज्यादा ऐसा कभी नहीं हो सकता शॉर्टकट होता ही नहीं है सक्सेस में मंथली करंट अफेयर रिवीजन होता है आप रिवाइज कर लीजिए चीजों को इसलिए मंथली करंट अफेयर्स कराया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में बसी रहे इसलिए मंथली करंट अफेयर कराया जाता है फिलहाल ऐसा रहा है कि आप मंथली करंट अफेयर करके भी पेपर में गए तो अच्छा कर पाएंगे लेकिन अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स भी करिए उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा और ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी चले आगे विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है बारह नवंबर को हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं थोड़ा फास्ट करते हैं जल्दी जल्दी करिए निमोनिया डे जो है ये बारह नवंबर को मनाया जाता है इस बार इसकी थीम रही एवरी ब्रीथ काउंट स्टॉप निमोनिया इस ट्रैक पहली बार 12 नवंबर 2009 को मनाया गया था स्टॉप निमोनिया पहल के तहत निमोनिया फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है फेफड़ों में पानी भर जाता है दुनिया का पहला ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ बना दिया गया कंपनी का सीईओ बना दिया उसका नाम क्या है मीका दुनिया का पहला ह्यूमनइट रोबोट जो मानव की तरह बातचीत कर सकता है उसका नाम क्या है सोफिया लेकिन मीका वो रोबोट है जिसको अभी हाल ही में सीईओ बनाया गया है इसको सीईओ किसने बनाया है और डिक्टाडोर ने मिलकर तैयार किया एंटन रोबोटिक्स ने ही लोकप्रिय ह्यूमनाइट रोबोट सोफिया भी बनाया था तो मीका बना दुनिया का पहला एआई बेस्ड ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ कौन बना है मीका याद रखेंगे भारत और किस देश की नौसेना ने 7 से 9 नवंबर तक उत्तरी बंगाल खाड़ी में बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया बोंगो सागर तो बड़ा आसान है बांग्लादेश कौन सा संस्करण हुआ यह बताओ इस पे दिमाग लगाओ विच एडिशन एडिशन कौन सा था शेयर करते रहो भाई जैसे जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी शेयर करते रहो बड़ा बुरा लगता है यार आजकल जो नए नए लड़के आए हैं वो मुझसे ज्यादा बच्चे पढ़ा रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या ये मुझे एहसास मत दिलाओ हाँ, सेवेंथ बहुत बढ़िया पुरुषोत्तम कुमार मेहता चौथा था भाई मेरे कौन सा था चौथा कोऑर्डिनेट पेट्रोल भी किया इन लोगों ने पांचवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया बंगाल की खाड़ी में तीन चीज पकड़नी है केवल किन देश के बीच में हुआ नाम क्या है कौन सा एडिशन था कहां हुआ इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता वो बनेगा ही नहीं कुछ अब तुम नहीं भूलोगे कभी भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी संप्रीति सबसे प्रमुख एक्सरसाइज है इसका दसवां संस्करण इस बार मेघालय में हुआ अक्टूबर 2023 में संप्रीति का सॉरी ग्यारवा संस्करण मेघालय में हुआ दसवां संस्करण इसका हुआ था जेसोर बांग्लादेश में इसके अलावा मीना मती मैत्री ये बी के द्वारा करवाया गया था है ना कॉर्पोरेट एक्सरसाइज तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज होती है जिसमें दोनों देश जो एक दूसरे साथ कॉर्डिनेटेड कॉर्डिनेशन बनाना चाहते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है शेख हसीना सी फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एथलीट कौन बने पहली एथलीट जिसको फैशन आइकन बना दिया गया नाम है सेरेना विलियम्स नाम तो सुना ही होगा महिलाओं की सबसे पावरफुल खिलाड़ी पावरफुल टेनिस खिलाड़ी विलियम फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बनी है खेल के दुनिया में गोट के नाम से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वह यह प्रति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बनी है एथलीट से एक और पुरस्कार याद आया एथलीट ऑफ द ईयर कोई बता सकता है कि 2023 में एथलीट ऑफ द पुरस्कार किसको एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया डोंट वरी बी हैप्पी आई एम हजार बाईस में मोन्डो डोपलांटिस स्विटरलैंड के थे पुरुषों में सिडनी मैग यूएसए के थी महिलाओं में अभी हाल ही में कल ही अनाउंस किया गया है तो मैं आपको आज बता दे रहा हूं दो हजार तेईस में नोहा लाइलिस लेलेस, नोहा लेलिस लेलेस, जो भी पढ़ो फेगौन महिलाओं में केनिया की है और वो यूएसए के है जिनको इस बार का एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है कौन सा पुरस्कार दिया गया है एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है एथलीट ऑफ़ द ईयर पुरस्कार एथलेटिक द्वारा दिया जाता है। अभी जो रहे है वो ये है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा मौजूदा में पचास प्रतिशत से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया कितना प्रतिशत कर दिया गया कोई बताएगा ये कर दिया गया है पैंसठ प्रतिशत कितना कर दिया गया सिक्सटी फाइव परसेंट सबसे ज्यादा कहां पर है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है बयासी प्रतिशत आरक्षण है कुल छत्तीसगढ़ कितना है एटी टू परसेंट आरक्षण है कितना आरक्षण है एटी टू परसेंट जाओ नहीं भाई कहीं तुम लोग तो बने रहो कम से कम ये एक आर्टिकल वाला लिस्ट मैंने यहां पे दिया है आर्टिकल फिफ्टीन 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 सिक्सटीन किस तरीके का आरक्षण प्राप्त होता है इनको जरूर पढ़िएगा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है छोड़ना नहीं इसको लाइक लाइक कर दो भाई जिन्होंने नहीं किया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म विकसित की है तो इसका नाम होगा पूसा टू जीरो नाइन जीरो क्यों क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाएगी और जल्दी तैयार हो जाएगी तीस दिन का समय किसानों को मिल जाएगा इसको ठिकाने लगाने के लिए अभी तक क्या दिक्कत होती है कि ये पराली क्यों जला देते हैं क्योंकि उनको तुरंत गेहूं बोना होता है धान की फसल के बाद धान की बदल के बाद गेहूं बोने के चक्कर में उनको खेत तैयार करने के लिए वो इसको जब उनके पास समय होगा तो ये बाहर फेंक पाएंगे और, और जल्दी तैयार हो जाती है हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है चेयरमैन ऑफ आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल आर्म फोर्सेज में कोई तकनीकी समस्या आ जाती है लड़ाई बिड़ाई हो जाती है तो उनका मामला कहां सुलझेगा इसी न्यायाधिकरण में सुलझेगा एक बार फिर से राजेंद्र मेनन को यह पद सौंपा गया है इससे पहले भी इनके पास ये पद रहा है तो राजेंद्र मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में उनकी नियुक्ति चार साल के लिए की गई है जून दो तक उनका पद रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है प्रतिवर्ष चौदह नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 2007 में पहली बार इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी ये बात सही है कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी की भी जन्मतिथि मनाई जाती है यानी उनका भी बर्थडे मनाया जाता है और जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ जो हुई थी वो डायबिटीज की वजह से हुई थी तो आप याद रख सकते हैं कि ये डायबिटीज डे मनाते हैं ऐसा नहीं है कि उनकी इस वजह से वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रमुख किताबें हैं जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी का नाम क्या है टूवर्ड फ्रीडम भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के बारे में निम्न कितनों पर विचार करिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का चौवालीसवां संस्करण है जी नहीं ये बयालीसवां है भारत राष्ट्रीय व्यापार मेला की थीम वसुदैव कुटुंबकम है ये एकदम सही है और इससे एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है भारत व्यापार मेला भारत व्यापार मेला ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया प्रगति मैदान में और ये इसका कौन सा एडिशन था बयालीसवा एडिशन था भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दो की थीम रही है वसुदैव कुटुंबकम इसके अलावा और कुछ आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं है हाँ एक और चीज याद रखेगा बिहार और केरल जो थे वो इसमें एज ए स्टेट पार्टनर के रूप में पार्टिसिपेट किए यानी वहां पर इनका ज्यादा रोल रहा दिल्ली जम्मू कश्मीर झारखंड महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश फोकस राज्य के रूप में पार्टिसिपेट किए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा जिसने बोला है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे राजस्थान में भी 2024 से पहले लागू करने की तैयारी है लेकिन हाल फिलहाल उत्तराखंड जो है वो भारत का पहला राज्य बना जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता जैसे कोई मुस्लिम पुरुष है और वो तीन तलाक वाला जो मामला होता है तो उसमें हिंदू महिला है मुस्लिम पुरुष है या मुस्लिम पुरुष है हिंदू महिला है इस तरीके के कोई भी मामले में फंस जाता है मामला तो उसको कैसे देख ट्रीट करना है उस केस के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है धर्म के कुछ ऐसी चीजों को दरकिनार करता है जिनको जिनको मान्यता दी गई है कि इसको इस तरह से कर सकते हैं तो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करते हुए कि अगर कोई हिंदू परिवार है या मुस्लिम परिवार है उसको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा अगर कोई तलाक का मामला है या कोई इस तरह का और मामला है तो ऐसे कई मामले हुए थे तीन चार मामले हुए थे एक मामले में तो एक हुआ था कि एक आदमी था उसने दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था वो हिंदू अब जब वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया उसने दूसरी शादी कर ली तो कोर्ट ने उसको फटकारा ये तुमने गलत किया है ऐसा थोड़ी ना तुम दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिए अब तुम दो शादी कर सकते हो तो ये सारी चीजें ना हो समाज में बना रहे इस तरीके की चीजें आर्टिकल नंबर 44 फोर्ट के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 फोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा पहला राज्य जहां पर पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है गोवा और लोगों को बताया गया कि अरे बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोवा को देखो गोवा में सब कुछ गोवा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो गोवा को देख करके गोवा का एग्जाम्पल देख करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए कहां पर कौन कौन से मुद्दे रहे हैं ये यहां पर एक लिस्ट आपको दी गई है जिनको आप पढ़ सकते हैं आगे निम्न में से किसी क्रिकेटर को नवंबर 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया तो राहुल द्रविड़ को तो शामिल नहीं किया गया था जबकि अरविंद डिशलवा वीरेंद्र सहवाग और महिला कप्तान डायना एडलजी को यहां पर वानखेड़े स्टेडियम में जब मैच हो रहा था तब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था नाम से पता चल रहा है हॉल ऑफ फेम यानी फेमस लोगों का हॉल जहां पे सारे फेमस लोगों को इकट्ठा किया जाता है हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग से किसे सम्मानित किया गया डिस्टर्बिंग पीस एक आश्चर्यजनक समारोह था एक सरप्राइजिंग समारोह था और ये ऐसे व्यक्ति को दिया गया सलमान रजदी को जिनकी पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई सैटेनिक वर्सेस की वजह से वर्सेस सलमान रज्दी की ऐसी किताब थी जिसमें उन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए कुछ किया है जिसकी वजह से उनको ऊपर पिछले साल हमला भी हुआ था और उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी लेखक सलमान रद्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग से सम्मानित किया गया है उन्हें अपर ईस्ट साइड सेंटर द्वारा आयोजित एक आश्चर्यजनक समारोह में यह पुरस्कार दिया गया इस के, केंद्र की स्थापना मानवाधिकारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वकालत के लिए दो में की गई थी यानी आप जो कहना चाहते हैं वो बिना डरी कह पाए इसके लिए ये शुरू किया गया था फिलहाल 2023 में उन्हें जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी दिया गया था सलमान रुदकी की इंपॉर्टेंट किताबें हैं द सैटेनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन जिसके लिए उन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार भी मिला था द पोर्टेबल एथेस्ट हारून एंड द सी ऑफ स्टोरी फ्लाइट ऑफ द सेंचुरी राइटर्स रिफ्लेक्ट विक्ट्री सिटी अभी 2023 में आई है लुका एंड द फायर ऑफ लाइफ द ग्राउंड बिनीथ हर फीट कुछ छोटे ये एसएससी ने पूछा है कुछ छोटे नॉवेल जो है वो किसका है क्यू छोटे तो ये आपका सलमान रद्दी का है सलमान रद्दी का सेम है और एक है सेटेनिक वर्सेस जो सबसे ज्यादा विवादास्पद इनका नॉवेल है सेटेनिक वर्सेस याद रखिएगा कि किसका है सलमान रद्दी का लोग कई तरह के कर्तव दिखाते हैं अलग अलग तरीके के कर्तव दिखाते हैं ऐसा ही एक करतब किया एक व्यक्ति जो है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से स्काई डाइविंग कर दी और ये स्काई डाइविंग की थी शीतल महाजन ने इक्कीस हजार पांच सौ फिट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की है शीतल महाजन ने और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बन गई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से छलांग लगा दी तो शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास एक हजार पांच सौ फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला बनी महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने फीट की ऊंचाई से से एक हेलीकॉप्टर छलांग लगाई महाजन सत्रह चार सौ चवालीस फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी शीतल महाजन एक भारतीय स्काई डाइवर है दो हजार एक चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी उनको दिया जा चुका है श्री गार्जियन तीन का तीसरा संस्करण उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया श्री गार्जियन तीन का तीसरा संस्करण था ये सी गार्डियन किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर किया किसने किया पाकिस्तान और चाइना ने इसको मिलकर आयोजित किया याद रखें सी गार्डियन तीन का तीसरा संस्करण उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है चीन और पाकिस्तान ने 11 से 17 नवंबर तक अभ्यास किया और यहां पर ये रूस और म्यांमार के बीच में जो हुआ उसको जवाब देने के लिए पाकिस्तान और चाइना एक साथ आए निम्नलिखित में से कौन सा तो कथन सही है उन्नीस में, में यूनेस्को द्वारा घोषित एक वार्षिक अवलोकन दिवस अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल सोलह नवंबर को मनाया जाता है तो में भारतीय प्रेस में प्रेस परिषद की की स्थापना नवंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोनों ही सही, नहीं। हा, सही। है सोलह नवंबर को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टॉलरेंस इंटॉलरेंस डे बनाया गया यूनेस्को द्वारा इसको किया गया सहिष्णुता का मतलब यह होता है कि अगर कोई आप पर टिप्पणी करे धार्मिक या अन्य तरह की तो भी आप उसे बर्दाश्त कर पाए सहन कर पाए कितना सहन सकती है, आपके तो इसको ये दिन जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो भारत में प्रेस आयोग की सिफारिशों पर जुलाई उन्नीस को भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कब आती है वर्तमान समय में इसकी हेड कौन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वर्तमान समय में हेड कौन है रंजना प्रकाश देसाई कई सारी चीजें बनेंगी भारत में अच्छा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है इसकी हेड हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जज ही होते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भारत में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम भारत कह रहा हूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं जल्दी जल्दी बताए याद होगा प्रेस फ्रीडम डे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये तो जरूर पता होना चाहिए तीन मई को तीन मई को इसके अलावा भारत में एक और प्रेस वाली संस्था है वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ध्यान रखिएगा ये सरकारी संस्था है इसका गठन उन्नीस में सरकार की योजनाओं सरकार की जानकारी को इंफॉर्मेशन को पब्लिक को देने के लिए गठन किया गया था पीआईबी का पीआईबी का गठन दिया था अभी चलेगा बेटा अभी कम से कम ये एक घंटा और चलेगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले हेड कौन थे सबसे पहले चेयरमैन कौन थे जे एस मुधोलकर फर्स्ट चेयरमैन थे जेएस मुधोलकर ये सब चीजें अगर गूगल पे सर्च करने जाओगे तो भी कम से कम दस मिनट लगेगा तुमको ढूंढने में नहीं लगेगा नहीं दस मिनट लगेगा पांच मिनट तो लगेगा ही मैं तुमको दो मिनट में रहा हूं तीन मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दे इसके अलावा एक और चीज याद रखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो इस बार भारत की रैंकिंग एक रही पिछली बार एक थी बहुत बुरा हाल है भाई बाद में प्रेस की क्षमता एकदम खत्म है नंबर एक पर नॉर्वे है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आयरलैंड है भारत एक नंबर पर है यह गलत चीज है ऐसा नहीं होना चाहिए भारत में हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाते हैं भारत में हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाते हैं आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आधे से थोड़ा आगे आ चुके हैं 17 नवंबर पे चल रहे हैं 30 नवंबर तक तो जाना है हमें और हर दिन लगभग चार से पांच मिनट लेता है मत्स्य स्वीकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बीमारी से जुड़े मृतकों को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है डॉक्टर निर्मल सूर्या द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की शुरुआत की गई थी याद रखें सत्रह नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और तेरह फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं तेरह फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ठीक है सत्रह नवंबर को राष्ट्रीय और तेरह नवंबर तेरह फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय यह मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है, है। आपको पता होगा ये पिलेप्सी के बारे में आगे आते हैं मित्र शक्ति अभ्यास का नोवा संस्करण इस बार कहां पर आयोजित हुआ ऑन पुणे में मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच में होता है भारत और श्रीलंका के बीच में अच्छा ये बताओ गरुण शक्ति किन दो देशों के बीच में होता है गरुण शक्ति किन दो देशों के बीच में होता है मेरे भाइयों? गरुण शक्ति जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है अच्छा गरुण एक्सरसाइज किसके बीच में होता है ध्यान रखें गरुण वरुण और शक्ति ये तीनों ही फ्रांस के साथ होते हैं ये तीनों किसके साथ होते हैं फ्रांस के साथ भारत और फ्रांस गरुण वरुण और शक्ति ठीक है तो ये संस्करण है मित्र शक्ति का ऑन पुणे में आयोजित करवाया गया है इसको भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति का आठवां एडिशन आपका अंपारा श्रीलंका में हुआ था इसके अलावा सिलीनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच में इसका दसवां एडिशन अभी कोलंबो में हुआ है अप्रैल 2023 में यह भारत और श्रीलंका का नेवल एक्सरसाइज है यानी नौसेना का एक्सरसाइज है हाल ही में किस खिलाड़ी ने सचिन तेंदुलकर को उनचास शतक के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और अपना पचासवां शतक जमा दिया तो ये है विराट कोहली पता होगा आपको अब भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 से 20 जनवरी 2024 को कहां पर आयोजित किया जाएगा तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन करवाया जाएगा कौन सा चौबीसवा नोवा नोवा नाइन्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये भारत की जितनी भी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा मिलकर के इसको करवाया जाता है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होता है आठवां कहां पर हुआ था कोई बता सकता है किसी को पता है आठवां कहां पर हुआ है दो वाला किसी को पता है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इस बार कहां पर हुआ अच्छा ये तो पता होगी कि एक इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पर हुई नागपुर महाराष्ट्र में अगली कहां पर होगी एक होगी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब एक 107वीं बेंगलोर में हुई थी आई एस का आठवां संस्करण भोपाल में हुआ था मध्य प्रदेश में भोपाल एमपी में थीम क्या रही थी इसकी थीम रही थी मार्चिंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस मार्जिंग टू वर्ड अमृतकाल विद साइंस ठीक है याद रखिए याद रखना मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो भाई इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए पढ़ लोगे देख लोगे दिमाग में रहेगा वहां जाके मुझे दुआएं दोगे और आपकी दुआओं का ही असर है मुद्दी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरे ऑडियंस होता है शेयर कराओ एक बार। भाई इतना तो समझ गए घंटे से तो ऊपर मैं खड़ा हूं डेढ़ घंटे से ऊपर मैं लगातार बोल रहा हूं मैंने दो चार गिलास पानी ही पिया होगा हाँ? तुम लोग तो आराम से बैठे हो तरस खाओ मेरे ऊपर नहीं मुझे पता है तुम लोग बड़े कठोर आदमी हो बहुत कठोर आदमी हो लेकिन इतना भी कठोरता ठीक नहीं है ऊपर वाला सब देख रहा मिलेगा वही जो बोगे इसलिए अच्छा अच्छा बो फेसबुक चलाते हो ना नहीं चलाते हो चलाते हो शेयर कराओ व्हाट्सएप पे शेयर कराओ ग्रुप में शेयर कराओ अरे ज्यादा से ज्यादा लोग गालियां ही तो देंगे नहीं सह सकते हो मेरे लिए इतना ही प्यार बस खत्म चलिए फरीदाबाद याद रखिएगा आई एस एस एफ आठवा दो हजार तेईस ये भोपाल एमपी में हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है नवा फरीदाबाद में होगा नवा कहां होगा फरीदाबाद में होगा बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं हां इसकी थीम अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द अमृतकाल दोनों में ही अमृतकाल अमृतकाल चल रहा है नवा सबके आगे हाल ही में वुड मैकेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल निर्माता देश बन जाएगा दो तक अभी देखा जाए तो वर्तमान में चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल निर्माता देश है और उसकी वैश्विक हिस्सेदारी अस्सी प्रतिशत है वियतनाम की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत है दूसरे स्थान पर तीसरे नंबर पर भारत है तो सोलर मॉड्यूल जो लोग बना रहे हैं उनमें चाइना सबसे टॉप पर दूसरे नंबर पर वियतनाम है तीसरे नंबर पर भारत है और क्वेश्चन ये कहता है वुड जी ने कहा है कि दूसरा सबसे बड़ा हम बन जाएंगे यानी हम वियतनाम को पछाड़ देंगे चाइना अस्सी प्रतिशत बना रहा उधर बहुत टाइम लगेगा हर रोज अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस देखो क्वेश्चन देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट डे अलग नेशनल National... नहीं वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता नेशनल नहीं है वर्ल्ड स्टूडेंट डे

तो इसका मतलब जहां आपने शेयर किया उसने देख लिया होगा और जहां शेयर करते हो वहां लिखा करो आज सर पागल हो गए बाल नोच रहे हैं क्लास में देखो देखो आएगा कि नहीं आदमी हमको बाल नोचते देखने के लिए आदमी आ जाए पढ़ने के लिए नहीं आएगा ये तो मानते हो कि सिलेक्शन ज्यादा होते हैं कि नॉन सिलेक्शन ज्यादा होते हैं नॉन सिलेक्शन ज्यादा होते हैं ना मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो बच्चे ज्यादा होते हैं सेलेक्ट होने वाले बच्चे कम होते हैं ये तो मानते हो क्यों होता है था? <coughs> क्योंकि सब कोई पढ़ पाए लगातार डेढ़ घंटा क्लास देख कर देख पाए मोबाइल देख पाए डेढ़ घंटा मोबाइल देख पाए वो भी पढ़ने वाली चीजों में आंखों से खून निकल आता है अभी पंचायत वेब सीरीज आएगी तब निपटा देंगे हम आठ आठ आड़ आठ घंटा एक साथ तब कोई दिक्कत नहीं तब आंखों से खून भी नहीं आएगा आराम मस्त देख के निपटा देंगे एक ही बार में बन रहा पढ़ नहीं पाएंगे पढ़ना ना पढ़ना नहीं हो पाएगा डेढ़ घंटा कौन मोबाइल लेकिन आंखें खराब हो जाएंगी ऐसे ही चल लेगा पंचायत तो जब जब मार मार देख लेते तुम शेयर करो बस ठीक है चलो कोई नहीं जो आ रहा है ठीक है जिसको पढ़ना पढ़ो नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो अपन काम अपना काम हम कर रहे हैं बाकी ऊपर वाला देख रहे हैं जब मेहरबान हो जाएगा गधा पहलवान हो जाएगा तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाते हैं कोई बताओ अब हमें क्या पता कब आ रही है कोई आज हमसे पूछ रहा था वर्ड स्टूडेंट डे नहीं पता तुम लोगों को एक तमाचा मारने मन कर रहा है पंद्रह अक्टूबर कोई नहीं बताया पूरी क्लास में तो। ए पी अब्दुल कलाम का जन्मदिन है यार इनके नाम पर स्टूडेंट डे रखा गया है। ये नहीं पता है तुम लोगों को नवंबर 2023 में स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए सांचेज स्पेन की राजधानी मेड्रिड स्पेन ये देख सकते हो ये हुँ? इधर कंट्री है बाकी ये सब 2014 से 2020 के बीच में छाछठ भारतीयों को साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट मिला गोल्डन पासपोर्ट योजना कब शुरू की गई थी 2014 में योजना 2014 में शुरू की गई थी कि आप साइप्रस में इन्वेस्टमेंट करिए और बड़े आराम से आप गोल्डन वीजा लीजिए मतलब आप साइप्रस के नागरिक बन जाइए साइप्रस यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है और इसका वीजा पाने का मतलब यह है साइप्रस अगर आपने यहां पे यह वीजा पा लिया छोटा सा कंट्री है राजधानी इसकी है निकोसिया और तो आप साइप्रस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में वीजा फ्री एंट्री कर सकते थे इसलिए उसको गोल्डन वीजा तो बहुत सारे लोगों ने इनमें इन्वेस्टमेंट किया और इसमें एक नाम जो है वो अभी कई सारे जो भी नाम आए इसमें वो सारे के सारे स्कैंडल करता थे इसमें विनोद अडानी का के बड़े भाई जो गौतम अडानी के बड़े भाई उनका भी नाम आया कि इन्होंने वहां पे इन्वेस्ट क्यों किया एक्चुअल में ये वहां पे इन्वेस्ट करके के टैक्स बचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है और इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति ने यहां पर प्रॉपर्टी ले ली है तो वो यूरोपियन यूनियन में कहीं भी भाग सकता है तो यहां पर कांड कर लो भारत के अंदर और फिर निकल लो ऐसे कई नाम वहां पर देखने को मिले जिनमें से एक जो नाम था वो एन एस ई एल घोटाले से संबंधित था एन एसईएल घोटाला जो है वो पूरा मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है अनुभव अग्रवाल उसमें ये शामिल थे ये लोग क्या करते थे स्टॉक कॉमोडिटी होती थी मतलब चीनी है या कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं ऊन है कस्टर सीड है बीज वगैरह है उनको 25 से 36 दिन तक वेयर हाउस पर रखना होता था तो उस जो माल वहां पर रखा रहता था उस माल के ऊपर लोन होता था लोन की पर्ची दी जाती थी। लोन की पर्ची होती ही नहीं थी मतलब घोटाला था तेरह हजार से अधिक निवेशकों का लगभग पांच हजार छह सौ करोड़ रुपए फंस गया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दो हजार तेईस के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ घोषित किया है तो हाल की नेट अभी मैं सारी बता दूंगा क्योंकि एक एक करके सारी आ जाएंगे हालुकी नेट जो है वो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार हालुकी नेट का मतलब ये होता है मति भ्रम पैदा कर देना कि जब कृत्रिम बुद्धि मति भ्रम करती है तो यह गलत जानकारी उत्पन्न कर देती है यानी अगर आप ए पर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं आज की डेट में आप फेसबुक पर देखिए हर दो तीन पोस्ट के बाद आपको एक ऐसा लेख नजर आएगा जैसे लगा होगा कि उसने बड़ी मुद्दत से लिखा है बड़ी शिद्दत से लिखा और जो मन में उसके आया होगा वो फैक्ट उसने डाला होगा आप उस फैक्ट की अगर जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फैक्ट में कुछ भी सच्चाई नहीं है और किसी ने आपको प्रभावित करने के लिए इस तरीके की पोस्ट लिखी है तो ये क्या कर देता है मति भ्रम कर देता है कभी कभी ए जो है गलत आंसर भी देता है जैसे मैंने उससे पूछा था कि आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले कौन थे तो उसने बता दिया था शक्तिकांत दास तो आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था बताइए मैंने बताया है। आपको बताया आपको पता होगा श्याम बेनेगल रामा राव ठीक है आगे तो उसी वर्ड को लेकर के काफी चर्चा रही तो हालू की नेट को इन्होंने मती भ्रम को क्या कर दिया वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया हाल ही में किसको 2023 का केनेत बोल्डिंग पुरस्कार दिया गया तो केनेत बोल्डिंग पुरस्कार बिना है बेने अग्रवाल और डेविड बार्केट यानी एक और दोनों को मिला बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को 2023 का केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र और पर्यावरण के प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली की पूर्व निदेशक बीना अग्रवाल को मेक्सिको सिटी में, में मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बार्किन के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कार से, से सम्मानित किया गया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में विकासशील देशों में पर्यावरण प्रशासन कृषि परिवर्तन और सामाजिक समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया मतलब ये लोग इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ करते हुए विकासशील देश जो है वो इकोनॉमिक्स को मेंटेन कर पाए अपने अपने आप को भी मेंटेन कर पाए आगे लता मंगेशकर पुरस्कार एक बार गण समाराग्णी लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है सुरेश वाडेकर को हुँ? सुरेश वाडेकर जो है ये काफी फेमस गायक है किस राज्य के पाए जाने वाले सीबक थोन फल को जीआई टैग प्रदान किया गया सीबक थोन ये छोटे छोटे होते हैं ये लद्दाख में पाए जाते हैं इनको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही की घोषणा के अनुसार पीएम किसान भाई योजना कितने राज्यों में लागू की जा रही है सात राज्यों में किसान भाई योजना में क्या किया जा रहा है ये भंडारण से संबंधित योजना है कई किसान क्या होते हैं औने पौने दाम में अपनी फसल बेच देते हैं क्योंकि उनको अपने फसल घर में रखने की जगह नहीं होती कोल्ड स्टोरेज का खर्चा वो उठा नहीं सकते ऐसे में कोल्ड स्टोरेज का खर्चा जो है अब सरकार उठाएगी और इस योजना को नाम दिया गया है किसान भाई योजना किसान भाई योजना का फुल फॉर्म है पीएम किसान स्टोरेज इंसेंटिव स्कीम और कहा गया इसका फुल फॉर्म हाँ किसान भाई का पूरा नाम है पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव योजना तो इसमें जो भंडारण लिया गया है वो हिंदी में लिया गया पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव योजना ठीक है योजना के शुरू होते ही किसान कटाई के बाद कम से कम अपनी फसल का तीन महीने तक भंडारण कर पाएंगे तो कोल्ड स्टोरेज में जो पैसा लगेगा वो सरकार उनको देगी व्यापारी किसानों को खरीदा तो आपको पता ही चलेगा जल्दी बेच देते हैं सात राज्यों जिनमें इनको लॉन्च किया जा रहा है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश असम उत्तर प्रदेश राजस्थान और तमिलनाडु छोटे और सीमांत किसानों को गोदाम में फसल स्टॉक करने के लिए हर महीने चार रुपए प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी जाएगी हाल ही में प्रसिद्ध व्यापारी सुब्रत राय सहारा का पच्चीस पिछहत्तर वर्ष की आयु में निधन हो गया वह किस कंपनी के संस्थापक थे तो वह सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे और उनका भी हाल ही में पिछहत्तर वर्ष की आयु में निधन हो गया एक गलती की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्होंने अपनी कंपनियों को अपने सामने डूबते हुए भी देखा बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था <coughs> हर वर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे और इसी दिन वर्ल्ड मेन्स डे भी मनाया जाता है क्विक ट्रांजिशन ऑफ सेफ इसके अलावा उन्नीस नवंबर को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता इस से जुड़े हुए कुछ बातें हम करना चाहेंगे आपको याद होगा स्वच्छ भारत मिशन मुझे ये बताइए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्म के समय हुई थी ये दो पार्ट में लागू हुआ था अर्बन और रूरल अर्बन और रूरल अर्बन जो था वह हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने लागू करवाया यानी इसका संचालन किया हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने रूरल का संचालन किसने किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने या फिर जल शक्ति मंत्रालय ने देख के बताइए एसबीएम में रूरल जो ग्रामीण में था जो ग्रामीण लेवल पे स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था वो किस मंत्रालय ने चलाया है वो आपका चलाया है जल शक्ति मंत्रालय ने ये क्वेश्चन कठिन है बन जाता है जल शक्ति मंत्रालय ने इसे चलवाया था इसका टैगलाइन क्या था स्वच्छ भारत मिशन का क्योंकि इसी के अंतर्गत तो ओडीएफ आया था स्वच्छ भारत मिशन का टैगलाइन था एक कदम स्वच्छता की ओर गांधी जी का चश्मा बना रहता है इसमें एक कदम स्वच्छता की ओर क्या टैगलाइन थी एक कदम स्वच्छता की ओर देश का पहला ओडीएफ स्टेट कौन है ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट आपको जानकारी दे दूं स्वच्छ भारत मिशन लागू होने से पहले ही इस राज्य में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता सब बंद में करते सिक्किम देश का पहला ओडीएफ गांव जहां पर सभी तरह की सुविधाएं हुई मतलब कोई भी व्यक्ति वहां पर खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया जा रहा था ओडीएफ विलेज था तो जहोता राजस्थान देश का पहला ओडीएफ विलेज जहोता राजस्थान देश का पहला ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट यानी जिला वायनाड केरल वायनाड केरल ओडीएफ का मतलब क्या होता है कोई भी व्यक्ति दिन के किसी भी समय ना तो खुले में शौच करता पाया जाए और ना ही यूरिनेट करता पाया जाए यूरिनेट को लोग इग्नोर कर देते हैं ओडीएफ प्लस का मतलब होता है कि वहां पर क्रियात्मक शौचालय हो ऐसा ना हो कि बंद में कर तो रहे लेकिन क्रियात्मक नहीं भरा पड़ा है वही ओडीएफ प्लस प्लस का मतलब यह होता है कि जो सीवेज है उसका भी प्रबंधन ना तो खुले में कोई शौच करता पाया जा रहा हो सारे के सारे टॉयलेट फंक्शनली वर्किंग हो क्रियात्मक हो और उससे जो भी मल या जो भी गंदगी निकल रही है उसको बाकायदा ट्रीट किया जा रहा हो उसको नदी या नाले में ना छोड़ा जा रहा हो समझ तो उसे ओडीएफ प्लस प्लस कहा जाता है क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं मिथुन कह रहे आप तो कभी चालू कभी बंद कर देते हैं क्या बंद कर देते भाई कब बंद किया मैंने गल्ला कभी बंद नहीं किया मैंने ये पढ़ा रहा हूं हर महीने पढ़ा रहा हूं हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस प्रतिवर्ष बीस नवंबर को मनाते हैं चलो किसी तरह से हम बीस तारीख तक तो पहुंचे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं बीस नवंबर को इस बार इसकी थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट बाकी याद करने की जरूरत है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल में किस देश ने 2023 के विश्व कप ट्रॉफी जीती सबको पता है पूरा देश का दिल दुखा था इवन उत्तर काशी के टनल में जो मजदूर फंसे थे वहां से जो आदमी बाहर पूछ रहा था भारत वर्ल्ड कप जीत गया क्या इमोशन है इंडिया में क्रिकेट इमोशन है लेकिन इमोशन से सबके घर नहीं चलते भाई ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है हाँ तुम तो फोकरिया देख लियो निशान तिवारी क्योंकि ये जानकारी तुमने ढूंढी तो होगी नहीं गूगल पे जाके कि एरोप्लेन में क्या होता है छठवां बार जीता है कब जीता है छठवीं बार भारत ने कितने बार जीता है दो बार ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को छह विकेट से हरा दिया दो हजार तेईस का वनडे विश्व कप जीत लिया ऑस्ट्रेलिया टीम ने उन्नीस सौ सत्तासी दो हजार तीन दो हजार सात दो हजार पंद्रह और दो हजार तेईस के संस्करण जीते अच्छा, इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट कप कब किया है मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को किया था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को किया था इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट कब कब किया है इंडिया ने जो वर्ल्ड कप होस्ट किया है वो आपका चार बार किया है दो हजार ग्यारह में 2011 में 2023 में अगला वर्ल्ड कप कहां होगा चौदहवा वर्ल्ड कप 2027 में साउथ अफ्रीका नमीबिया जिम्बाब्वे में होगा पंद्रहवा दो में इंडिया और बांग्लादेश में होगा यार एक चीज नोट करना मैंने अभी आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में ही आपको बताया था ना मुझे ऐसा लग रहा है फीफा में मैंने साउथ अफ्रीका नमीबिया जिम्बाब्वे में बोल दिया अगर ऐसा है तो उसको चेंज कर लेना वो यूएसए मेक्सिको कनाडा में होना मुझे लग रहा है मैंने फीफा वर्ल्ड कप ये बोल दिया अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं जेवियर माइली जेवियर माइली जो है वो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं अर्जेंटीना की राजधानी बताओ अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स जेवियर माइली जो है ठीक आदमी नहीं है है ना ये गड़बड़ करेंगे बहुत तेज बयानबाजी करते हैं और ये पर्दा वर्दा सब मतलब ये बोलते हैं कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए अलग ही तरह का विचार का आदमी है ये फिलहाल अर्जेंटीना है कहाँ कहाँ गया अर्जेंटीना ये है भाई अर्जेंटीना बहुत बड़ा देश है

उनको लग रहा था कि ये नेतृत्व तो नहीं कर पाएंगे उनकी जगह मीरा मुराती को चुना गया लेकिन फिर बाद में कुछ हुआ चेंजेस हुए और फिर से ओपिन आई के सीओ सैम आल्टे बन गए नवंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका टाइम ने दुनिया के सौ प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के कितने लोगों को शामिल किया है आठ लोगों को शामिल किया कितने लोगों को शामिल किया है आठ लोगा इनमें आठ लोगों में कौन कौन है अजय बंगा भावेश अग्रवाल राजीव जय शाह मनोज सिन्हा गीता अयर जिगर शाह सीमा बाधवा अमित कुमार अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष है राजीव जैसा रॉ फिलर फाउंडेशन के अध्यक्ष है मनोज सिन्हा हस्क पावर सिस्टम के सीईओ और संस्थापक है गीता यर बोस्टन कॉमन एसेट मैनेजमेंट की संस्थापक और अध्यक्ष है याद रखिएगा आठ लोगों को लिया गया है जिगर था अमेरिकी ऊर्जा विभाग में ऋण कार्यक्रम के कार्यालय के निदेशक है सीमा वाधवा कैंसर परमानेंट के लिए कैंसर परमानेंट के लिए पर्यावरण प्रबंधन की कार्यकारी निदेशक है अमित कुमार सिन्हा महिंद्रा लाइफ स्पेसेज के प्रबंध निदेशक और सीईओ है मैगजीन में टाइम हंड्रेड क्लाइमेट लिस्ट के दुनिया भर के सीईओ संस्थापक संगीतकार पॉलिसी मेकर और सरकारी अधिकारी शामिल है टाइम मैगजीन सौ साल से भी ज्यादा की गई थी।, थी अच्छा मेक्सिको वाला ही बताया थे मुझे ऐसा फील हुआ अंतरदेथी मछली पालन में पूरे देश में पहला स्थान किस राज्य ने, ने प्राप्त किया देती यानी इनलैंड वाटर बॉडीज में तालाब में मछली पाल रहे हैं तो सबसे ज्यादा मछली कौन पाल रहा है उत्तर प्रदेश जो है सूची में पहले नंबर पर है अंतरदेशी में 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 सबसे पहले उत्तर प्रदेश है क्योंकि अभी हाल ही मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना में, यूपी यूपी में काफी सारे मछुआरों को लाभ हुआ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अब तक इक्कीस परियोजना दो में यह परियोजना लाई गई थी दो में क्रियान्वयन हुआ इसका और इसके जरिए लोगों को सब्सिडी दी जा रही है मत्स्य पालन करने के लिए कहा जा रहा है और उनको प्रमोट किया जा रहा है सरकार ने विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं आलोक शर्मा को डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आटा दाल योजना शुरू की है पंजाब सरकार ने आटा दाल योजना शुरू की है यहां से कठिन प्रश्न बनता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यह कब लागू हुआ है नया वाला और इसके जरिए अंत्योदय योजना में पात्र लोगों को कितने किलोग्राम अन्न दिया जाता है पैंतीस किलोग्राम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये 2013 में आया है कब आया है 2013 में ठीक है बाद में इसी के अंतर्गत एक योजना लाई गई आज की डेट में मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना मुफ्त अन्न योजना वो इसी को कन्वर्ट किया गया ठीक तो ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने आटा दाल योजना और इसमें क्या होगा कि पंजाब सरकार घर घर डिलीवरी करेगी आटा दाल की घर घर -गर क्या करेगी डिलीवरी करेगी और तीन दर्जन आटा मिलों को बुलाया गया है बाकायदा आटा लिया जाएगा और उनसे दावल लिया जाएगा तो यहां पर केंद्र और पंजाब में लड़ाई हो गई कि भाई हमारी योजना तुम बांट रहे हो हम अलग से कुछ बांटो तो ये 2013 में आया था 10 सितंबर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसमें कवरेज का याद रखिएगा कवरेज का प्रश्न पूछा जाता है क्या कहा गया है इसमें यह कहा गया है कि जो कवरेज है उसको कम करना चाहिए अब एक कमेटी लाई गई थी उसने कहा था कि इसको कम कर देना चाहिए क्यों क्योंकि टीपीडीएस के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी का पिछहत्तर प्रतिशत और शहरी आबादी का पचास प्रतिशत कवर करना है अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो उसका पचास प्रतिशत भी बढ़ रहा है उसका पचहत्तर प्रतिशत भी बढ़ रहा है तो एक टाइम ऐसा होगा कि जब इतने लोग हो जाएंगे कि सरकार पर बहुत तगड़ा बोझ हो जाएगा तो इस प्रतिशत को कम करने की बात की गई है कि इतना प्रतिशत आप बांटिए नहीं फिर भी आज की डेट में पूरे देश का लगभग सड़सठ प्रतिशत आबादी इस के अंतर्गत कवर किया जाता है इसके अंतर्गत क्या होता है प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें चावल तीन रुपए किलो गेहूं दो रुपए किलो और मोटा अनाज एक रुपए किलो दिया जाता है अंत्योदय योजना के तहत प्रति परिवार को पैंतीस किलोग्राम प्रदान करना जारी रहेगा उसके अलावा गर्भवती महिलाओं या गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म के छह माह भोजन के अलावा कम से कम छह हजार रुपए का मात्र लाभ प्रदान किया जाता है चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन दिया जाता है और अगर नहीं भोजन मिल रहा है उन्हें तो उनके लिए आप बाकायदा सब्सिडी दीजिए उन्हें पैसा दीजिए हर वर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है थोड़ा सा तो धुंधला रहा है क्या नहीं वर्ल्ड टेलीविजन डे प्रतिवर्ष आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है कब मनाते हैं 21 नवंबर को पहला इलेक्ट्रिक टेलीविजन ट्वेंटी सेवन में अमेरिकी द्वारा बनाया गया था नवंबर 2023 में लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री लुक फ्रीडन फ्रीडन लुक फ्रीडन जो है लक्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है वहीं पर प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए पश्चिमी यूरोप का एक कंट्री है आप देख सकते हैं यह है लग्जमबर्ग ऊपर आएंगे आपको उत्तरी सागर और यहां पर मिलेगा यूनाइटेड किंगडम नवंबर दो में मिस यूनिवर्स कौन बनी है अब एक खतरनाक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है नवंबर 2023 में मिस यूनिवर्स का ताज गया है सेनिस पलासियोस सेनिस पलासियोस किस देश से हैं अब बताओ सेनिस पलासियोस किस देश से हैं कोई और जो नए बच्चे आए हैं भाई लाइक कर दीजिएगा प्लीज सेनिस पलासियोस जो है ये निकारागुआ से हैं और कठिन करूं इसको निकारा गुआ कौन से कॉन्टिनेंट में है निकारा की राजधानी क्या है हाँ जी सब लोग ठीक है धन्यवाद निकारा की राजधानी क्या है माना गुआ निकारा की राजधानी क्या है माना गुआ कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा इतना तो बता दो यार इतनी तो भूगोल पड़ी होगी निकारा गुआ अफ्रीका में आएगा कि अमेरिका में आएगा इतना ही बता दो साउथ अमेरिका अच्छा नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है कहां का कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का वहीं की चुनी गई है ये बहत्तरवा एडिशन था अभी तक भारत की बात की जाए तो मिस वर्ड छह बनी है रीता फारिया सबसे पहले उन्नीस में ऐश्वर्या राय उन्नीस में डायना हेडन उन्नीस में युक्ता मुखी उन्नीस में प्रियंका चोपड़ा 2000 में मानुषी छिल्लर 2017 में मिस यूनिवर्स एक में सुष्मिता सेन पहली 2000 में लारा दत्ता दूसरी और 2021 में हरनाथ संधु तीसरी मिस अर्थ 2010 में निकोला फारिया एक ही मिस इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है वो कहां होने वाली है भारत में कौन सा एडिशन होगा 71 मिस वर्ल्ड कहां पर होने वाला है भारत में पहली मिस यूनिवर्स 1952 में कौन बनी थी आर्मी कुशेला फिनलैंड से सत्तरवीं मिस वर्ल्ड कौन थी कैरोलिना बिलावेस्का मिस यूनिवर्स थी आर बोर्निंग गोब्रियल ये यूएसए से थी मिस यूनिवर्स पिछले बार जेसीबी साहित्य पुरस्कार तमिल लेखक पेरुमल मुर्गन को मिला है किस पुस्तक के लिए जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार इस बार फायर बर्ड के लिए पेरिमल मुर्गन को दिया गया किसको दिया गया पेरुमल मुर्गन को यह तमिल भाषा के लेखक है फायर बर्ड के लिए हाल ही में इंटरनेशनल एम पुरस्कार किसको दिया गया कॉमेडी के क्षेत्र में वीरदास को दिया गया इंटरनेशनल एमी पुरस्कार जबकि एकता कपूर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला एम्प्रेस को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार और मारियो पोल स्टोरी को अंतरराष्ट्रीय बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार एकदम चल रहा है बढ़िया गोवा में आयोजित चौवनवे आई एफ एफ आई में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से लिए सम्मानित किया गया माधुरी दीक्षित को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में माधुरी दीक्षित को यहां पर स्पेशल सम्मान से सम्मानित किया गया जल जीवन मिशन के तहत जल से कनेक्शन देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है तो जल जीवन मिशन 2023 में हर घर जल जीवन हर घर जल ये योजना के अंतर्गत अचीवर में उत्तर प्रदेश का कानपुर पहले भदोई दूसरे और मुरादाबाद तीसरे नंबर पर है जबकि पूरे ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आया है जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था जल जीवन मिशन का टारगेट है दो तक प्रति व्यक्ति पचपन लीटर पानी नल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए और वहीं पर उपलब्ध कराया जाए जहां पर व्यक्ति को जरूरत है पचपन लीटर पानी 2024 टारगेट है इसका सबसे पहला गोवा था जिसने फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्राप्त किया 100 परसेंट सौ प्रतिशत प्राप्त करने वाला सबसे पहला गोवा था ठीक है जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन को इस बार सत्तर हजार करोड़ रुपए बजट में शांति पुरस्कार में पच्चीस लाख रुपए दिए जाते हैं कितने लाख पच्चीस लाख पिछली बार दो हजार बाईस में दो हजार इक्कीस में प्रथम नाम के एनजीओ को स, सम्मानित किया गया था इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था इस बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेन नर्स दोनों को यह इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया गांधी शांति पुरस्कार में एक करोड़ रुपए दिए जाते हैं इस बार गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रत गोरखपुर को दिया गया ठीक है बात करते हैं तो इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी राजीव गांधी ने की थी अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिला है सबसे पहली महिला है इंदिरा गांधी उन्नीस में दूसरी महिला है मदर टेरेसा उन्नीस सौ अस्सी में तीसरी है अरुणा आसेफली उन्नीस सौ सत्तानवे में और चौथी है एम एस लक्ष्मी उन्नीस सौ अट्ठानवे में और लता मंगेशकर है दो हजार एक में आगे सैन एक्सरसाइज प्रहार भारत और किस देश के बीच में आयोजित की जाती है प्रहार ये भारत और यूएसए के बीच में होता है इस बार इसका कौन सा संस्करण हो रहा है चौदवा संस्करण कहां पर हो रहा है उमरोई मेघालय में इसके अलावा कौन कौन से होते हैं इस बार इसके अलावा युद्ध अभ्यास अठारवा एडिशन हुआ था उत्तराखंड में टाइगर ट्रेम काफी समय से नहीं हुआ भारत और यूएसए के बीच में होता है वजह का तेरवा संस्करण बखलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था कोप इंडिया एयरफोर्स एक्सरसाइज है यह भी दो से नहीं हुआ तो भारत और यूएसए के बीच में जो प्रमुख एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार का चौदवा संस्करण हो रहा है और युद्ध अभ्यास का अठारवा संस्करण पिछले बार हुआ था इसके अलावा माला एक्सरसाइज भी होता है ऑस्ट्राहीन दो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ऑस्ट्राहीन ये इसका दूसरा एडिशन था ये कौन सा एडिशन था दूसरा एडिशन ऑस्ट्राहीन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है दूसरा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद होता है और ऑसिंडेक्स होता है ऑसिंडेक्स जो है यह आपका सिडनी में इस बार आयोजित हुआ था पांचवा एडिशन ऑसिंडेक्स का हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बिडर के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई है बंगाल के ब्रांड एम्बिडर के रूप में चुने गए हैं सौरभ गांगुली बंगाल के राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है यह उड़ीसा में इन्होंने किया है नई शिक्षा खासकर जो भी जनजाति से बिलोंग करते हैं उन लोगों को आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली इसका मस्कट कौन चुना गया उज्ज्वला नाम की गौरैया को अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ने किस देश को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है इंडिया को भारत आज की डेट में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है सबसे ज्यादा चीनी हम लोग खाते हैं और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है इसीलिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का हम लोग अध्यक्ष बनाए गए हैं कि इनको पता है कैसे खाई जाती है मजाक की बात है फिलहाल इसका मुख्यालय जो है वो आपका लंदन यूके में है विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन ब्राजील करता है फिर दूसरे नंबर पर इंडिया करता है चाइना नहीं है तीसरे नंबर पर थाईलैंड है चौथे नंबर पर चाइना है भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र पे, तीसे तीसे पे होता है तीसरे नंबर पर कर्नाटक पे होता है भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहां होता है उत्तर प्रदेश में नए डेटा है किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है तो घोल मछली अभी अंतरराष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन इंटरनेशनल फिशरीज कॉन्फ्रेंस गुजरात के गुजरात में आयोजित की गई वहीं पर गुजरात ने घोल मछली को अपना जलीय जीव घोषित कर दिया स्टेट एक्वेटिक एनिमल क्यों क्योंकि ये मछली खाने के लिए बड़ी उपयुक्त होती है और जो मत्स्य किसान है जो फिशरीज करते हैं मत्स्य पालन करते हैं उनके लिए भी बड़ा लाभदायक रहती है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिविया डाइकैंथस घोल मछली इसको गोल्ड फिश भी कहा जाता है और भारत में जितनी मछलियां पाई जाती हैं उनमें से सबसे बड़ी ये है। इसको पोषण का पावर हाउस भी कहा जाता है यह खा लो तो काम हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम क्लोराइड डीएचए आयरन टायरन सब कुछ होता है इसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुजरात में राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में आचार्य देवव्रत महिलाओं की सुरक्षा के लिए ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है उत्तर प्रदेश स्कूलों अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसको रखा जाएगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा का उद्घाटन किस देश ने किया एकल सौर ऊर्जा साइट का उद्घाटन जो है वहां पर किया है यूएई ने सही अरब अमीरात ने एक ही जगह पर सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया है भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर है भादला राजस्थान क्योंकि इस बार कॉप ट्वेंटी बैठक जो हो रही है वो तीस नवंबर से बारह दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम भी कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि भाई हम सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा प्लांट यहां पर लगाया है अल दफरा सोलर फोटोवोल्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट बीस दो लाख घरों तक बिजली जो है पहुंचा सकता है दो सूर्य किरण भारत और के देश बीच में आयोजित किया जाता है यह भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में इस बार इसका कौन सा तो संस्करण हुआ कहां पर आयोजित किया गया पिथौरागढ़ नेपाल की राजधानी काठमांडू पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय चौथे भारतीय कौन बने तो डॉक्टर सैदना मोहम्मद अल साफुद्दीन इनको पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया है पाकिस्तान के सर्वो सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे मोरारजी देसाई उसके बाद दिलीप कुमार फिर अली गिलानी और अब ये सैदना मु, मुफद्दल सैफुद्दीन साहब जो है वो निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किए जाएंगे हाल ही में भारत किस राज्य ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है 3D मुद्रित मंदिर जो है वो तेलंगाना में बनाया गया थ्री मुद्रित का मतलब होता है थ्री प्रिंटेड यानी इसमें ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते इसमें कंक्रीट से ही मशीन मसाला गिराती चली जाती है और वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है भारत का पहला थ्री मुद्रित डागर थ्री प्रिंटेड डागर कहां खोला गया था बेंगलोर में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया फातिमा बीबी हाई कोर्ट की पहली जज कौन थी कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला थी अन्ना चांडी केरल हाई कोर्ट में इन्हें जज के रूप में नियुक्त किया गया था हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला कौन थी पता होगा आपको लीला सेठ लीला सेठ फातिमा बीवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं हैं तीन बीवी नगरत्ना बेला एम त्रिवेदी और हिमा कोहली ये तीन महिलाएं आज सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर हैं जिसमें से 2027 में बीबी नागरत्ना भारत की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला के रूप में बनेंगी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फातिमा बीबी फर्स्ट वीमेन जज हु वाज इलेबेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंदु मल्होत्रा लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूमा पाल करेंट स्ट्रेंथ ऑफ सिटिंग वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

आर्टिकल 214 में हाई हाँ कोर्ट की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की बात किसमें की गई है निम्नलिखित में से तो कौन सा कथन सही सही है भारत में हर साल छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया यहां पर एक और दो दोनों ही सही है छब्बीस नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे बनाने में दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन लगे थे इसको लिखा था प्रेम बिहारी राय जादा ने अब तक इसमें कुल 105 संशोधन हो चुके हैं एक सौ चौथा रिजर्वेशन से संबंधित था एक संशोधन आपका ओबीसी लिस्ट बनाने से संबंधित था बाकी बहुत कुछ और इसमें है जो आप पढ़ सकते हो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं यानी नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे वर्ल्ड मिल्क डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं यह वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर एक जून को मनाया जाता है वर्गीज नहीं वर्गीज कुरियन को नहीं वर्गीज कुरियन के जन्मदिन 26 नवंबर को हुआ था 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान उड़ाया कौन सा उड़ाया था उड़ाया गया बैठे थे पीछे तेजस सबसे हल्का लड़ाकू विमान तेजस उड़ाया दो का बुकर पुरस्कार आयरिस लेखक आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच ने जीता है किस उपन्यास के लिए उपन्यास दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दूसरे नंबर पे एक उपन्यास था चेतना मारू का ये भारतीय है और वेस्टर्न लेन इनका पहला उपन्यास था बुकर की सेकंड कैटेगरी तक गया क्या बात है काम करो तो ऐसा करो वरना मत करो गीतांजलि श्री पहली ऐसी लेखक है जिनको बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला था इनको बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला था इसके अलावा जो भारतीय हैं, जिन प्योर भारतीय हैं, जिनको बुकर प्राइज मिला है उन्नीस में अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 2006 में किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए अरविंद अधिक द व्हाइट टाइगर सलमान रजी भारतीय नहीं है बी एस नायपाल भी भारतीय नहीं है भारतीय मूल के हैं समझ गए तो इनको भारतीय ना मानते हुए फिलहाल याद रखें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय को 1997 में बुकर प्राइज दिया गया था जबकि अरुंधति राय को बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया था बुकर इंटरनेशनल किसी भी भाषा में आप लिखिए उस अपनी उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद करवा दीजिए अपनी उपन्यास को क्या कर दीजिए अंग्रेजी में आप अनुवाद करवा दीजिए आपको यह पुरस्कार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी डेजी रॉकवेल जो थी उन्होंने इनके उपन्यास को क्या किया था रेत समाधि इनके उपन्यास का नाम था डेजी रॉकवेल ने उसको कन्वर्ट कर दिया था टॉम टॉम्ब सैंड में और फिर इनको ये बुकर प्राइज मिला था ठीक इस बार किसको मिला है पॉल लिंच को किसके लिए प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, लिए। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं क्रिस्टोफर लक्षण आते ही धूमपान संबंधित विधेयक पर करारा पहाड़ अब न्यूजीलैंड में आप फूकी चाहे जितना फूकना है के की जगह लिए पढ़ने लिखने में कमजोर लगभग 25 लाख स्कूली बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू करने की घोषणा की है So, मिथन दक्ष जो है वो बिहार में होगा ऐसा ही एक मिशन यूपी में चल रहा है निपुण निपुण भारत अभियान निपुण भारत अभियान का लक्ष्य जो है 2026 तक कक्षा तीन के बच्चों को कक्षा एक दो तीन के बच्चों को पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाना है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर proficiency in understanding reading understanding आ जाता है बीच में understanding and numeracy इसको निपुण बोला गया ये होता पद में चला ये फुल फॉर्म आपका एसएससी ने पूछा था आगे बढ़े। पे चल रहा है ये आपका 25 लाख बच्चों के लिए मिशन जो है, बिहार में शुरू किया गया और मैंने सुना शैक्षणिक तो रूप से कमजोर छात्रों की पहचान की जाएगी फिर प्रधानाध्यापक दोपहर भोजन के बाद एक समय पांच छात्रों तक सीमित अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने के लिए शिक्षकों के साथ समन्वय करेंगे दो हजार गई है तो आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हॉट कुक्ड फूड योजना शुरू की है कि उनको भी खाना दिया जाएगा स्कूल के दौरान कुछ <laughs> दो स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाणन दिया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाणन दिया गया है ग्रीन बिल्डिंग होने का आईजीबीसी द्वारा मतलब ये पूरा रेलवे स्टेशन अपने आप में सोलर एनर्जी चल रहा है अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को खुद ही पूरा कर रहा है बाग का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण बनाने के लिए किन दो अभ्यारण्य को विलय किया जा रहा है तो नोरादेही सेंचुरी एंड रानी दुर्गावती नो महादेव नेशनल पार्क नहीं डायनासोर फॉसिल नहीं रानी दुर्गावती नहीं सही उत्तर है नोरादेही सेंचुरी एंड रानी दुर्गावती सेंचुरी मध्य प्रदेश की दामोह जिले के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण को बनाया जा रहा है नोरादेही दुर्गा अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण को मिला दिया जाएगा तेईस वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल बाघ अभ्यारण के रूप में इसको बनाएंगे टाइगर रिजर्व की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में चौवन टाइगर रिजर्व है द हिंदू का आर्टिकल से मैंने ये फोटो लिया है द हिंदू से मैंने ये फोटो लिया है तो हम लोग इस को अब ऑथेंटिकेट मान सकते हैं अलग अलग जगह दिया है तीन हजार छह सौ बयासी टाइगर है दो हजार बाईस की टाइगर गणना के अनुसार सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है सात सौ पिचासी कर्नाटक में पांच सौ तिरसठ उत्तराखंड में पांच सौ साठ ऐसे ऐसे राज्य जहां पर एक भी टाइगर नहीं है नागालैंड और मिजोरम लेकिन वहां पर टाइगर पार्क है झारखंड गोवा और अरुणाचल प्रदेश ऐसे टाइगर है जहां पर कम नंबर है ऐसे रिजर्व जहां एक भी टाइगर नहीं है डंपा मिजोरम का कामलिंग अरुणाचल प्रदेश का कवाल तेलंगाना का सतकोसिया उड़ीसा का और सह्याद्री महाराष्ट्र का यहां पर एक भी टाइगर नहीं है सबसे ज्यादा टाइगर जिम कॉर्बेट में है 260 अगर आप पार्क वाइज बात करें तो यह कितने टाइगर रिजर्व है इस इस अलग अलग, अलग वेबसाइट अलग अलग डेटा दिखा दिया तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट जो दिखा रही है चौवन टाइगर रिजर्व है जिसमें चौवनवा टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है इससे पहले रानीपुर टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ था जो उत्तर प्रदेश का है अभी जानकारी के मुताबिक महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा तो वो पचपनवा टाइगर रिजर्व बनेगा ये 16 अक्टूबर 2023 की न्यूज है ठीक है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन साइगर टाइगर रिजर्व है आज की डेट में जो लगभग पच्चीस सौ पंचानवे वर्ग किलोमीटर में फैला है ओरांग नेशनल पार्क जो है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है जो कि आसाम में है नागार्जुन सिंह सैलम आपका आंध्र प्रदेश में है पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था स्पेन के मलागा में आज ये डेविस कप 2023 का फाइनल किताब किसने जीता है डेविस कप जो है इसे आप वर्ल्ड कप की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो इटली के मलागा में स्पेन ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर 1976 के बाद पहली बार डेविस कप जीता डेविस कप पुरुषों की प्रतियोगिता है टेनिस से संबंधित है 155 टीम 2023 में हिस्सा लिया पिछली बार कनाडा ने जीता था इस बार इटली ने जीता है दूसरा टाइटल सबसे अधिक यूनाइटेड स्टेट ने जीता है जैसे पुरुषों का ये वर्ल्ड कप है वैसे ही टेनिस में महिलाओं का वर्ल्ड कप होता है बिली जीन किंग कप बिली जीन किंग कप 2023 का कनाडा ने जीता इटली को हराकर और इसका आयोजन स्पेन में किया जा रहा था खेलो इंडिया पैरा गेम में लोगो शुभंकर नई दिल्ली में आयोजित किया गया लोगो का नाम क्या है लोगो है उज्जवला सॉरी शुभंकर क्या है उज्जवला उज्जवला क्या है गौरैया खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेलो इंडिया पैरा गेम से मुझे याद आया खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के कहां पर हुए थे पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम थे जो भोपाल मध्य प्रदेश में हुए इसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे हरियाणा दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उस बार उत्तर प्रदेश में हुए थे जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप पोजिशन हासिल की थी दो के नेशनल गेम्स अभी हम लोग ने देख चुके हैं कि महाराष्ट्र ने सबसे पदक जीते हैं दूसरे नंबर पर सर्विसेस रहा है इसके अलावा एशियन पैरा गेम्स भी हुआ एशियन पैरा गेम्स हम हाँ चाइना में हुए जहां भारत पांचवें स्थान पर रहा 111 मेडल के साथ ठीक है आपके एग्जाम में टोकियो का पदक टोकियो में पूछा गया था टोकियो ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा था अड़तालीसवें पदक कितने थे सात और पैरालंपिक में चौबीसवें और पदक कितने थे उन्नीस याद रखिएगा ये ओलंपिक है और यह पैरालंपिक है ओ फॉर ओलंपिक पी फॉर पैरालंपिक आगे आते हैं केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को नया नाम दिया गया क्या नाम होगा उनका आयुष्मान आरोग्य मंदिर यह क्या योजना है इसके जरिए सस्ती और दवाएं मिलती हैं यानी जिन दवाओं के साल्ट आपको काफी महंगे मिलते हैं उनके पेटेंट खत्म हो जाने के बाद वो काफी सस्ती हो जाती है और कोई भी कंपनी उन्हें बना सकती है तो काफी सस्ते में वो दवाएं उपलब्ध कराई जाती है भारत सरकार का टारगेट था कि कम से कम दस स्वास्थ्य केंद्र हम लोग खोलेंगे लेकिन भारत सरकार ने यह बहुत पहले ही हासिल कर लिया 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर झांगला से पहला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की शुरुआत की गई थी लेकिन अभी हाल फिलहाल इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है आरोग्य मंदिर कर दिया गया किस अभिनेत्री ने फिल्म फेयर टी टी अवार्ड दो, दो में बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल पुरस्कार जीता है तो यह है आलिया भट्ट आलिया भट्ट ने डार्लिंग के लिए यह सबसे अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड है यह फिल्म फेयर अवार्ड नहीं है मनोज वाजपेयी ने एक बंदा काफी सबसे अभिनेता की ट्रॉफी जीती इसमें उन्हीं पिक्चरों को तन्ना अभिनेत हंसल मेहता की स्कूप को दिया गया है जबकि ट्रॉयल बाय फायर ने सबसे सीरीज क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता सबश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार फिल्म राजकुमार राव को दिया गया था मोनिका ओ माई डार्लिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय जगवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है उनतीस नवंबर को जगवार जो है ये अमेरिका में पाया जाता है और जैसे अपने चीता होता है वैसे ही ये तेंदुए की तरह थोड़ा सा दिखाई देता है बस ये पूरा कवर होता है आपको ध्यान रखना है सत्तानवे देशों में एक अलायंस लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और उसको नाम दिया गया बिग कैट अलायंस क्योंकि अमेरिका में जगवार पाया जाता है कहीं पे कुं पाया जाता है कहीं पे लेपर्ड पाया जाता है कहीं पर शेर पाया जाता है कहीं पे टाइगर पाया जाता है तो जितने भी देशों में इन बड़ी बड़ी बिल्लियों का राज्य है इनको एक साथ लाए और इनसे इनको आगे बढ़ाने के लिए जिन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में बात करें इसमें कितनी बिल्लियां शामिल की गई हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात सात बिल्ली इसके अंदर शामिल की गई हैं। कितने देशों पे ये अलायंस है सत्तानवे देशों का ये अलायंस अंकोरवाट मंदिर इटली के पोम्पई को पछाड़कर दुनिया का, का आठवां अजूबा बन गया अब दुनिया में कितने अजूबे हो गए आठ अंकोरवाट का मंदिर कहां पर है कंबोडिया में किस राजा ने इसे बनवाया था अंकोरवाट दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का ग्रीन ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है करीब पांच एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसे बारहवीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा खीमेर शैली में बनवाया गया था किस शैली में बनवाया गया था खेमेर शैली ये पहले विष्णु जी का मंदिर था बाद में यह बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था वर्तमान समय में जो आपके सेवन वंडर है वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इटली का कॉलिशम आगरा का ताजमहल पेरू का माचू पिछू ब्राजील का क्राइस्ट रिडीमर और मेक्सिको का चिकन इज्जा जॉर्डन का पेट्रा ये सारे के सारे प्रमुख है इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें स्लाइड में आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगी इससे पहले दुनिया के जो आठ अजूब सात अजूबे थे वो थे गीजा का पिरामिड बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन ओलंपिक में जियस की मूर्ति इफोसिस में आर्टेमिस का मंदिर हल्ली कार्स में समाधि रोड्स का और अलेक्जेंडियर का प्रकाश स्तंभ हाल फिलहाल कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इसमें शामिल हो गया एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा में किया जाता है ये एक व्यापार मेला होता है व्यापार मेले का मतलब यह है कि इसमें उस जमाने को याद किया जाता है जब उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था और कलिंग से लोग जो है वो बाली इंडोनेशिया तक जाया करते थे तो जब वो जाते थे तो काफी तैयारी करते थे या बाली से लोग यहां आया करते थे तो उनका स्वागत होता था तो इसी तरीके का एक फेस्टिवल बाली में भी मनाया जाता है उसको कहा जाता है मसकपन के टुकट मसकपन के टुकट तो उसी की याद में हर साल बाली यात्रा आयोजित की जाती है उड़ीसा में अन्य जो त्यौहार होते हैं उनमें रज पर्व प्रमुख है और इसके अलावा धानु यात्रा प्रमुख है उड़ीसा में एक और चीज प्रमुख है और वो है जगन्नाथ रथ यात्रा उसके बारे में भी यहां पर पूरी जानकारी मैंने दी नवंबर में अबू धाबी में फॉर्मुला वन रेस ग्रैंड प्रिक्स का फिनाले किसने जीता मैक्स वर्सन ने थोड़ा सा ये स्टैटिक का पार्ट है इसको कवर करेंगे तो आपको मजा आएगा हाँ जी पहले अलग थे अब अलग है मैक्स ने इस बार काफी सारी चीजें रेस जीती है जैसे साओपोलो ग्रांड पिक्स ब्राजीलियन ग्रांड पिक ला वेगा ग्रांड अभी जीती है इस साल की केवल तीन नहीं जीती है उन्होंने और वो है सऊदी अरबियन ग्रांड पिक्स अजरबाइजान प्रिक्स और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स सिंगापुर कार्लो सैंज ने जीती है बाकी बाकी दोनों सर्जियो पेरेज ने जीती है इसके अलावा कोई भी हुई है वो नीदरलैंड के मैक्स वर्षेपिन ने जीती है सारी ग्रैंड प्रिक्स मरियम वेबस्टर द्वारा इस बार किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑथेंटिक ऑथेंटिक को इस बार वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है जो डीप फेक वीडियो बनते हैं जैसे रश्मिका मंदाना का भी एक वीडियो आपने देखा होगा तो डीप फेक वीडियो बन जाते हैं और उनसे अथेंटिक चीज कैसे ढूंढी जाए तो उसको लेकर के के को प्रमोट करने के लिए मरियम ने ऑथेंटिक वर्ड को ढूंढा चौवनवे भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कैसे सम्मानित किया गया है माइकल डगलस माइकल डगलस।, डगलस जो है चौवनवे भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा की उत्कृष्टता के लिए प्रति सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसके अलावा यह आपको ध्यान रखना है इसका एडिशन कौन सा था चौवनवा कहां पर आयोजित होता है यह हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हर साल गोवा में होता है इस बार क, नौ दिन यह चला उन्यासी दिनों की दो सौ अस्सी इसमें दिखाई गई थी जिसमें एंडलेस बॉर्डर्स को अब्बास अमीनी की चौवनवे आई फेफाई में गोल्डन पिकऑफ पुरस्कार मिला फ्रांसीसी अभिनेत्री मिलानी थियरी को फिल्म पार्टी ऑफ में उनकी शानदार भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पिकऑफ पुरस्कार दिया गया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है लद्दाख में यह नाइट स्काई अभियान क्या होगा यहां पर कई सारी दूरबीन लगी होंगी आप यहां पर जाएंगे आकाश को देख सकेंगे और यही पर क्यों बनाएंगे क्योंकि यहां पर कृत्रिम प्रकाश ना के बराबर है कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल रोशनी नहीं है तो आप आकाश का जो ओरिजिनल प्रकाश है वो देख पाएंगे तो नाइट स्काई अभ्यारण कहां पर ओपन किया गया लद्दाख में पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थापित किया देश का पहला टेलीकॉम एक्स, है और इसलिए कि कि हम एक्सपर्टीज कैसे हासिल कर सकते हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं तो सहारनपुर में इसको ओपन किया जाएगा यह सबसे पहला टेलीकॉम सेंटर होगा भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त राष्ट्र संयुक्त माइक्रोवेव

हर वेवलेंथ का हर फ्रीक्वेंसी का अलग-अलग पेनिट्रेशन पावर होता है कितनी दूर तक वो जा सकती है जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी वो उतना दूर तक जा पाएगी तो इस तरीके से डिटेक्शन और ये चलेगा 24 घंटे ये पृथ्वी को अवलोकन करेगा हर एक चीज को और इतना प्रिसाइज रहेगा कि कुछ सेंटीमीटर एग्जैक्ट सेंटीमीटर में आपको बता देता हूं हर चीज ये डिटेक्ट करेगा नाम इसका निसार होने वाला है कहीं पे मैंने लिखा है हाँ एक सेंटीमीटर से कम के परिवर्तन को भी नाप लेगा यानी ये इतना अच्छा काम करेगा कि कहीं पर बर्फ भी पिघल रही होगी तो भी उसे डिटेक्ट कर पाएगा कि एक सेंटीमीटर जब जानते कितना होता है उसको भी नाप सकेगा सोमाली शरणार्थी ने विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षित करने के प्रयासों के लिए नैनसेन पुरस्कार जीता है किसने जीता है उनका नाम है अब्दुल्ला ही मिरे अब्दुल्ला ने अभी हाल ही में शरणार्थी पुरस्कार इस बार का जीत लिया है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया नेपाल नेपाल में एक ऐसा विवाह पंजीकृत भी कर लिया गया समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश था और ऐसा करने वाला वो पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया जिसने यहां पर एक ऐसी शादी का रजिस्ट्रेशन भी किया ट्रांस महिला मायागुर और समलैंगिक पुरुष सुरेंद्र पांडे ने कानूनी तौर पर लामजंग जिले में शादी रचा ली एक क्वेश्चन है यहां पर इसको करो लिखा है कि आपको कौन कहता है कि आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं कौन सा आर्टिकल कहता है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 21, पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 25 आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 29 आपको अपनी लैंग्वेज को बोलने की स्वतंत्रता देता है उसको आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता देता है तो इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो आपको अपने मनपसंद जीवन साथी को चुनने का अधिकार देता है सोच के बताइए पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 आपको यह अधिकार देता है संविधान आपको यह अधिकार देता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत कि आप अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं लेकिन उसकी भी पसंद होनी चाहिए जबरदस्ती नहीं, नहीं मेरा अधिकार है तुमसे शादी करना हम करके रहेंगे तुमसे ऐसा नहीं दोनों की सहमति पे नहीं कहोगे नहीं तुम हमें पसंद दो अब हम तुम ही शादी करेंगे यह अधिकार है मेरा सर ने बताया आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंतर्गत कोई रोक नहीं सकता मुझे आपके माता पिता आपको नहीं रोक सकते अपनी पसंद की शादी करने से अगर आप बालिग हैं अठारह वर्ष के हैं तो आर्टिकल ट्वेंटी वन ये अधिकार देता है कि आप अपना मनपसंद जीवन साथी चुन सकते हैं बंगाली खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है म्यांमार किसने नाम दिया था म्यांमार माइकोंग जो नाम था वो म्यांमार ने दिया राज्य ने वृक्षारोपण अभियान ने नौ श्रेणी में नौ वर्ड रिकॉर्ड हासिल किए आसाम इतना पौधा लगाया इतना पौधा लगाया इतना पौधा लगाया एक करोड़ ग्यारह लाख सत्रह हजार सात सौ इक्यासी पौधे लगाए नौ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फिलहाल ये रहा आज का करंट अफेयर्स और एक चीज चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि भाई मैं भी हेल्प कर रहा हूं आप भी हेल्प करिएगा देखो तुम लोग मजाक समझते हो चार सौ चौरासी स्लाइड है फोर एटी फोर दिख रहा है चार सौ चौरासी स्लाइड है कंप्यूटर को भी चलाने में दिक्कत हो रही है अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करूं तो भी कम से कम एक मिनट लगेगा लग रहा है जाने में देखो इतना स्लाइड है ये बनी है ये मैंने पढ़ी है आपको पढ़ाई है काम हुआ है हर एक चीज पे टाइप हुआ है हर एक स्लाइड पर और फिर भी तुम लोग लगता है मैं 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 मेहनत कम करता हूं बताओ कोई फैक्ट छूट ना जाए तो चा... मैं मैं इसको और अच्छा पढ़ाऊ और अच्छा मैं कैसे पढ़ा सकता हूं जब आप ज्यादा लोग आएंगे तो दया दिखाया करो मेरे ऊपर जब जलजला लगाया करो तो जलजला की तरह आया भी करो YouTube एक बार प्रमोट करना शुरू कर देगा ना तुम लोग मदद कर दो साठ हजार लोग हो मदद कर दो जाने क्या नहीं हो सकता YouTube एक बार प्रमोट कर देगा तो मज़ा आ जाएगा इस बच्चे की मदद जरूर करियो। जो भी आप कर सकते हो फोटो मैं आपको हो तो बड़ा कर दो। आप नंबर नोट करना चाहो तो नंबर नोट कर लो ये नंबर है इस पर आप फोन पे वगैरह कर सकते हो इसके पापा को लीवर सिरोसिस हुआ है और पिता पिता होता है यार अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए तो आप जो भी हेल्प कर सकते हैं जो भी करेंगे अगर हम देखें तो दस हजार लोग भी अगर हेल्प कर देंगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट इस बच्चे के पास आ जाएगा और ये इलाज करा पाएगा मेडिकेशन आज की डेट में बहुत महंगा है मैं खुद भुगतभोगी हूँ पिछले साल कम से कम पिछले पांच छह सालों की सेविंग गंवा दी मैंने खत्म ठन ठन गोपाल कुछ नहीं तो मेडिकेशन मैं समझता हूँ बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है ईश्वर ना करे कि कभी किसी के घर में इस तरह की विपता है लेकिन अगर किसी के घर में ये परेशानी आती है और वो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत भरोसा रहे या देखो दस बीस पचास रुपए में किसी का कुछ जाता नहीं है पिज्जा खाने जाओगे तो हमें तीन सौ रुपए का तो पिज्जा ही मिलता है मत खाना एक दिन पिज्जा ऐसा सोच लेना कहीं घूमने जाते हो खड़े होते हो दस रुपए की चाय पीते हो सिगरेट पीते हो या जो कुछ भी करते हो थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना दस दस हजार लोगों ने अगर कर दिया बहुत कुछ हो जाएगा फिलहाल आज के लिए इतनी रखता हूँ थैंक यू सो मच बाय टेक केयर और इस उम्मीद के साथ कि आप जलजिला पढ़ें चाहे न पढ़ें लेकिन इस बच्चे की मदद जरूर करेंगे बाय बाय टेक केयर आप ही लोगों में से एक है चलें बाय इक्कीस के हो गए शादी करनी है तुमको फालतू की बात है कमाने लायक बनो कि शादी वादी करना